देखो टाइम कम हमारे पास, ठीक है, लेकिन आज हम ना गढ़वाल का पूरा परमारवंश देखने वाले, गढ़वाल का परमारवंश देखने वाले ना, सुन लो जर, आज ही खत्म कर रहे हैं पूरा, ठीक। और वही फैक्ट टच करेंगे जो पेपर में सवाल लगा। जब पेपर पढ़ते हो ना, ये सोच लेना सारे सवाल गढ़वाल के परमारवंश तो आने के नहीं, दो आ गए बहुत बड़ी बात है, तीन आ गए, दो तीन आ जाए बहुत बड़ी बात है, चार आ जाओ तो जितने आगे ना वो तुम कवर कर लोगे बड़े आराम से, बड़े प्यार के साथ, जब गढ़वाल का परमारवंश पढ़ोगे। लेकिन एमसीक्यू क्वेश्चन लगाना बड़ा जरूरी है, पर इस इसकी स्टोरी समझ लो है क्या बलायो, ठीक। और उसमें से मैं वही नोट्स के अंदर तो अपने नोट्स के अंदर तो वही फैक्ट टच करता चलूंगा जो काम का फैक्ट होगा, ठीक है। बकवासबाजी में पढ़ाने का नहीं, मैं पहले समझा रहा हूँ और भी सुनकर चलूंगा, साथ साथ में सुनकर चलूंगा। कल मैंने कुमाऊं का चंदवंश पढ़ने को दिया था तुम्हें, और चंदवंश के मैंने कहा था एमसीक्यू क्वेश्चन लगाओ, कुछ क्वेश्चन दो चार दस क्वेश्चन नए दिखा भी देंगे तो एड ऑन कर लो, नोट्स अच्छा हो जाए अपना, ठीक है, बार बार क्वेश्चन लगाओ उसका। तो आ जाओ गढ़वाल के परमारवंश पर। तो गढ़वाल के परमारवंश को समझने के लिए ना, हेलो, इधर वाला देखो यहाँ, ये आलमनगर वाला इलाका हुआ, ये पूरा का पूरा कुमाऊं, ये पूरा का पूरा गढ़वाल। अब यहाँ गढ़वाल में बात 888 ईस्वी की, देखो कत्तूरी थे, अब कत्तूरी का पतन हुआ, कत्तूरी वंश था हमारा, कौन सा कत्तूरी वंश, ये कत्तूरी वंश था। अब जब कत्तूरी वंश का पतन हुआ ना, तो ये उत्तराखंड हमारा दो भागों में बट गया, दो भागों में बटता हुआ, एक तो गढ़वाल वाला और एक कौन सा कुमाऊं वाला। जो एक तो हमारा गढ़वाल होगा, कौन सा गढ़वाल, और एक होगा हमारा कुमाऊं, कौन सा कुमाऊं। अच्छा ये जरा एक बात बताओ, जब गढ़वाल वाला इलाका हुआ तो गढ़वाल वाले इलाके पर जो शासन हुआ ना वो परमारों का शासन हुआ, किसका किसका, ये गढ़वाल वाला इलाका जो टिहरी नगर श्रीनगर वाला इलाका हुआ, टिहरी वाला श्रीनगर वाला देहरादून की तरफ वाला, इसे पश्चिमी उत्तराखंड कहते हैं, ये पश्चिमी उत्तराखंड, ये पूर्वी उत्तराखंड। पूर्वी उत्तराखंड पर किसका कब्जा था, चंदवंश का। अब पश्चिमी उत्तराखंड पर पता किसका कब्जा था, परमारो वंशों का, किसका, तो यहाँ गढ़वाल पर, तो यहाँ जो वंश था उसका नाम है परमार वंश, परमार वंश, परमार वंश। हम तो उसका हमें सिर्फ प्रसन्न तरासने, और देखिए जिससे हमारे सवाल हो जा, ज्यादा बाबा ज्ञानी बनने की कोई जरूरत नहीं है, समझ में आई बात या। और मैं सारे फैक्ट में याद करवा के चलूंगा, कल भी मैंने भी बताया था, और लास्ट में जाकर ना एक दो पेज निकाल लेकर पूरे गढ़वाल या परमार वंश का एक दो पेज निकाल लो, ज्यादा इंपॉर्टेंट लगा, ठीक है, एमसीक्यू देख देख ज्यादातर, ठीक, वो ज्यादा बढ़िया बेहतरीन रह जाओ। पता लग रहा कोई युद्ध हुआ, और खास युद्ध बिल्कुल वो, और कोई खास डेट, उसे एक लास्ट के पेज में निकाल लेकर उसे हम शॉर्ट नोट्स बोल लो, उस तुम्हारा सारा रास्ता आसान बना देगा, सारे सवाल करवा देगा, बार बार उसे देखो जाओ। परमार वंश था, यहाँ बताओ कुमाऊं के अंदर कौन सा वंश था इस टाइम पर, चंदवंश, जो हमने कल पढ़ाया था चंदवंश। अच्छा चलो, यहाँ चंदवंश था, चंदवंश की नींव रखने वाला कौन था, सोमचंद, सोमचंद। अब जो परमार वंश है उसकी नींव रखने वाला ना, जो बताया जा अलग अलग जगह अलग अलग नाम लिखा हुआ, कुछ लोग तो जयपाल को बता हुआ कि गढ़वाल का जो परमार वंश है उसकी नींव जयपाल ने रखी थी, लेकिन गढ़वाल के परमार वंश इसमें पता कितने शासक पड़े थे चंदवंश में, 62, इसमें 60 शासक, कितने 60 शासक, 60 मतलब जो 37वें नंबर का राजा ना उसका नाम अजयपाल, क्या नाम, अजयपाल। और वो अजयपाल को कभी कभी कुछ लोग मतलब कुछ इतिहासकार यू कह दो यही गढ़वाल वर्ग के गढ़वाल वंश के गढ़वाल का जो परमार वंश उसका संस्थापक, लेकिन मेरा ऐसा मानना नहीं है, और मैंने ठीक ठाक तरीके से बहुत सारी पुस्तक पढ़ रखी, तो मेरा ऐसा मानना क्यों, क्योंकि कुछ इतिहासकारों ने भी पुष्टि करी कि 888 ईस्वी में यहाँ एक शासक आया था, एक व्यक्ति आया था घूमने आया था, यात्रा पाया था, यहाँ व्यक्ति यात्रा पाव और किसी की लड़की से शादी करके शासक बन जा, सही बात है, वो भी ऐसे ही बना था सोमचंद भी, सही बात, यहाँ इसका भी हाल ऐसा ही है, उसका 888 ईस्वी में यहाँ एक यात्री आया था, 888 ईस्वी में, 888 ईस्वी में यात्री आया था, और उसका नाम था कनकपाल, कनकपाल, और इस कनकपाल को ही गढ़वाल, जो गढ़वाल का जो परमार वंश उसका संस्थापक बताया जा, समझ आई बात है। और पेपर में अगर पूछा जाए तो इस पर ही टिक मारना, चाहे किसी ने कुछ भी कहा, जिसने भी जो भी कहा भाड़ में जाए सब, इतना तो याद रख सको, ठीक। नु बताओ गढ़वाल के जो परमार वंश उसका संस्थापक कौन है, कनकपाल, बेटे याद रखना, इधर चंदवंश पूरा का पूरा रिविजन करवा के चलूंगा, याद रखना बात, इसलिए पढ़ने को दिया था। कुमाऊं के अंदर जो चंदवंश मौजूद था, ठीक, वो 700 ईस्वी के आसपास का, और ये 800 ईस्वी का। अब तो गढ़वाल वंश पहला आया, परमार वंश पहला आया कि चंदवंश पहला आया, चंदवंश पहला आया, क्योंकि जिसका जो पहला शासक था सोमचंद वो 700 ईस्वी के आसपास दिखाई दे, ये 888 ईस्वी के आसपास दिखाई दे रहा है। इसका नाम क्या, कनकपाल। पाल एक प्रकार की ना जाति होया, या ना किसी भी चीज की रक्षा करने के लिए काम हुआ, जो रखवाली करते हैं बाग के अंदर, जो घर के बाहर रखवाली करते हैं, किले के बाहर रखवाली करते हैं, राज्य के बाहर रखवाली करते हैं, जैसे राज्यपाल,
समझ गए, पाल एक प्रकार की जनजाति हो। फोन आ रहा फोनिक्स वालों का उनका। हेलो हाँ जी बात ना करो, इतनी बात बताओ समझ में आई नहीं आई तो पता लग चुका। तो चांद, हेलो, अब सवाल, जब चंद्रवंश की स्थापना हुई वो सोमचंद के द्वारा करी गई, उसने आज चंपावत के अंदर ब्रह्मदत्त की पुत्री थी, ठीक, उसकी जो कन्या थी उसके साथ विवाह करके ये चंपावत को पूरा का पूरा सुई राज्य को अपने कब्जे में ले लिया था, वहां पे राजभुंगा किला बनवाया था। यहां भी ऐसे ही हो रहा कुछ, यहां भी ऐसे ही हो रहा। यहां गढ़वाल का शासक था, गढ़वाल के शासक से उसकी पुत्री से विवाह करा कनकपाल ने और इस पूरे एरिया पर कब्जा कर लिया, इस पूरे एरिया पर, ये पूरे एरिया पर कब्जा कर लिया। यस और नो? नोट्स है? खोलो नोट्स और सुन लो। हेलो इधर देखो, जब हम गढ़वाल का परमारवंश पढ़ने वाले होंगे 888 ईस्वी से लेकर अगस्त 1949 तक देश भी आजाद हो चुका है, परमारवंश अपनी राजशाही नहीं छोड़ रहे, लास्ट के जो राष्ट्र राजा उसे भी भारत के अंदर एकीकरण करके मिलाना पड़ा, वो जो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो ऑपरेशन चलाया था उसके तहत की मान जाओ नहीं तो डंडे से पिटूंगा, चुपचाप भारत में शामिल हो लो, कभी तुम्हें राजशाही देंगे अभी, समझ आई बात? 888 ईस्वी से लेकर अगस्त 1949 तक। लेकिन इसके बीच बहुत घटना होगी, वे सारी जो घटना होगी उनकी गुत्थियों को सुलझाने के लिए आज मैं तुम्हारे सामने परमार वंश लेकर आया हूं और जहां तक सवाल बनते हैं, ठीक? यस और नो? ठीक, तो चले क्या क्या होगा, कुछ खास खास बातें चंद्रवंश के साथ कंपेयर करते हुए। अगर जो गढ़वाल का परमार वंश पढ़ रहे हो ना, अगर चंद्रवंश दिमाग में ना हो तो पढ़ाई अधूरी हो, समझ गए? गढ़वाल का देखो क्या क्या पढ़ना, गढ़वाल का परमार वंश तो पढ़ना ही, आज आज कुमाऊं का चंद्रवंश भी साथ में स्टडी करके चलना, क्योंकि इनकी लड़ाई इनकी साथी बजाने वाली, पड़ोसी कभी पड़ोसी तो खुश नहीं रहता, ये अटूट सत्य है, याद रखना बात यह, पड़ोसी कभी पड़ोसी तो खुश नहीं रहता, पड़ोस के घर में अगर चार पहिया कार आ गई ना तो दूसरे वाले पड़ोस के घर में दिया नहीं जलता, समझ में ही बात यह, ये अटूट सत्य भाई, मजाक थोड़े ही कर रहा हूं मैं। ए चुप, ग्रामीण क्षेत्रों में तो इस तरह की प्रवृत्ति पाई जाती है, शहरों में ऐसा कुछ नहीं है, ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग सोच थोड़ी छोटी रखकर संकीर्ण सोच रखकर। अच्छा जी, इतना लंबा इतिहास पढ़ने वाले? हाँ पढ़ने तो वाले, सर कैसे पढ़ाओगे? सर बोल के पढ़ाएंगे, नोट तो लिखवाना नहीं, नहीं लिखवाना, याद करवाना, लेकिन क्या करवाना, उसी फैक्ट को टच करना जहाँ पेपर में सवाल बनेगा। कनक पाल वाला सवाल कई बार बना हुआ कि जो गढ़वाल का जो परमार वंश उसका संस्थापक कौन, कनकपाल, 888 ईस्वी में उसने यहाँ कब्जा कर लिया था। ऐसे ऐसे दिक्कत पता क्या थी, सुन लो, जब 888 ईस्वी के पास ना, सुनियो, 888 ईस्वी के पास पूरा गढ़वाल के अंदर जब कोई एक स्पेशल शासक नहीं है था, स्पेशल कौन सा हो जी, स्पेशल शासक ऐसा जो शक्तिशाली शासक हो, जो प्रतापी शासक हो, मजबूत शासक हो, जब ऐसा शासक नहीं है था ना वहां पर, तो वहां ना जो छोटे लोग थे, जो दो चार परिवार लोग थे, उन्होंने अपना खुद का एक किला बना दिया, इसने अपना एक अलग किला बना दिया, और उन्होंने कह रहे देखो दो तीन गांव पर मेरा शासन होगा, यहाँ से मेरे गढ़ में कोई नहीं आ सकता, ये मेरा गढ़ है, कहते नहीं गढ़, गढ़ का मतलब किला, मेरा इलाका, और इलाका कुत्तों का हो, समझ गए ना तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? हाँ, तो इस तरह करके ना 52 गढ़ बने हुए थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, एक गढ़ बहुत फेमस है, जानना चाहते हो उस गढ़ का क्या नाम, बोर्ड पे लिखने जा रहा हूँ, 52 के 52 गढ़ का नाम नहीं लिखने का, 52 गज नहीं है, 52 गढ़, एक गढ़ है, उसका नाम चांदपुर गढ़ी, चांदपुर, चांदपुर गढ़ी, ये चमोली का नाम था पहले, चांदपुर गढ़ी, ये चमोली का नाम था पुराना नाम। हेलो, चांदपुर गढ़ी पे जिसने आक्रमण कर लिया, अपने कब्जे में ले लिया, उसने पूरे गढ़वाल पर शासन कर लिया, सुन लो, चांदपुर गढ़ी पर जिसने कब्जा कर लिया, लगभग पूरे गढ़वाल को जीत लिया उसने, गढ़वाल का अच्छा वाला मेन पॉइंट यही था, ठीक, याद रहेगी बात। अब समझते हैं, जो 52 गढ़ों पर कब्जा कर लिया, जिसके पास ज्यादा गढ़ होंगे, इस वाले गढ़ को जीत लिया वो भी मेरे एरिया में आएगा, इस वाले गढ़ यो गढ़ भी मेरा होगा, वो गढ़ भी मेरा होगा, ये गढ़ एरिया, ये गढ़ सारे गढ़ किले, ये सारे किले मेरे होंगे, हर एक गढ़ का एक सरदार हुआ करता था,
हर एक गढ़ का एक सरदार हुआ करता था। उस सरदार के साथ ना जैसे मैं हूँ, मुझे उस गढ़ के जो सरदार होगा उसके साथ लड़ाई करनी पड़ेगी। मुझे वो हार जाएगा ना, वो गढ़ मेरा हो जाएगा, फिर वो सारा एरिया मेरा, मुझे उसके साथ लड़ाई करनी पड़ेगी, 52 गढ़ों के साथ लड़ाई करनी पड़ेगी। था एक जिनने करी 52 के 52 गढ़ों के साथ लड़ाई, अब 52 के 52 गढ़ों को जीत लिया। नाम जानना चाहते हो? अजयपाल, 37वां राजा। कौन था? बद्रीदत्त पांडे ने पूरी एक वंशावली दी। गढ़वाल के जो परमार राजा ना, गढ़वाल के परमार राजाओं की एक 60 के 60 राजाओं की वंशावली दी। और वंशावली का मतलब पहला आया, दूसरा आया, तीसरा आया, चौथा आया, पांचवा आया। 37 से पहले का कुछ ज्यादा अच्छा खासा इतिहास मिला नहीं। 37 जो राजा ना शुरू के, उनका कुछ अच्छा खासा इतिहास नहीं मिला सिस्टमेटिकल तरीके से, सुनियोजित तरीके से। कुछ लोग बताते हैं अराजकता का युग था उस टाइम पर। कैसा युग था? जब अराजकता का युग था तो 37वें शासक से पहले किसी का एक सुनिश्चित और सुनियोजित तरीके से इतिहास नहीं मिल पा रहा। अच्छा सर, इतिहास नहीं मिल पा रहा तो फिर क्या दिक्कत हुई? फिर दिक्कत ये हुई उनका इतिहास पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। तो फिर पढ़ना क्या? तो फिर पढ़ना वो जो इनमें से इंपोर्टेंट होगा 37 के 37 मतलब शुरू मतलब। सर वो कैसे पता लगा? नोट्स किस लिए दिया भाई? नोट्स कहाँ मिलेगा? 99 27 29 34 28 बार बार मुझे फ़ोन ना करो, बार बार चुपचाप मैसेज कर दो, जब टाइम लगा मैं भेज दूंगा। पता लग चुका, यहाँ मैसेज करके PDF मिलेगा। ठीक, इस नोट को अपडेट करना, वो तो पहला, मैं पहले कह रहा हूँ ये सफिशेंट नहीं है, समझ बात यह। लेकिन हाँ, इतना 5 आगे 4 कर लोगे क्वेश्चन, इतना 10 आगे 8 कर लोगे, 10 के 10 नहीं करने के। क्यों? सेल्फ मेहनत खुद की करनी नहीं, सारा तुम टीचर के भरोसे बैठे रहते हो। अब वही वाली बात है ना, वो छोटा सा बच्चे का डायलॉग चला था पीछे एक, मास्टर का तुम्हारे भीतर घुसा का जाएगा जब खुद ही नहीं पढ़ना। तो 52 गढ़ों को जीतने वाले शासक का क्या नाम था? नोट्स के अंदर सबसे पहले नंबर पर ये लिखा हुआ, देखो, अजयपाल से पहले गढ़वाल का संपूर्ण क्षेत्र छोटे छोटे 52 गढ़ों में बटा हुआ था। सबसे पहले गढ़ का नाम बताओ। सबसे पहला गढ़ था कौन सा था? नागपुर गढ़, जो जौनपुर परगने में था। नागपुर गढ़ में नाग देवताओं का मंदिर था, इसे नाग मंदिर भी कहा जाता है। नागपुर गढ़ को अंतिम गणपति भवन सिंह थे नागपुर गढ़ के। इनमें तो कुछ याद करने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ भी ज्यादा चक्कर में पढ़ना भी मत बिल्कुल भी। दूसरा देखो, तीसरा देखो, सारे देखते चले जाओ कितने सारे गढ़ लिखे हुए। सबसे इसमें उसमें चले जाओ, चांदपुर गढ़ कहाँ लिखा हुआ? चांदपुर गढ़ एक, हाँ चांदपुर गढ़ देखो, चमोली के गैरसैंड के पास स्थित अंतिम गणपति थे भानु प्रताप। आगे जरूरत पड़ेगी चांदपुर गढ़ी की, 52 के 52 गढ़ पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, समझ नहीं बात या। आगे चलो बघानगढ़ देखो, बघानगढ़ लिखा हुआ होगा एक, नोट्स खोलो, बघानगढ़ देखो, बघानगढ़ लिखा हुआ बघानगढ़। बताओ बघानगढ़ कहाँ पढ़ रहा हो? पिंडार नदी के ऊपरी क्षेत्र में, बागेश्वर में, गढ़वाल और कुमाऊं का विभाजक का माना जाता, याद रखना, इसलिए मैंने स्टार लगा रखा नोट्स के अंदर भी। क्यों लगवा रखा पता लग गया? क्योंकि एक तो गढ़वाल और एक कुमाऊं, गढ़वाल और कुमाऊं को बांटने वाला जो गढ़ था जो बागेश्वर के अंदर स्थित था, उसे क्या बोलते थे हम? बघानगढ़। उसके बाद चलते रहो, 52वें गढ़वा का नाम बता दो। 52वें गढ़ का नाम लोधनगढ़। अब सबसे पहला गढ़ बताओ कौन सा था? पहला नागपुर गढ़, सबसे लास्ट का कौन था? लोधनगढ़। उसके बाद यू बताओ बघानगढ़ है, बघानगढ़ क्यों फेमस है? क्योंकि वो गढ़वाल और कुमाऊं का विभाजक माना जा, लगभग यहाँ पड़ता होगा उस टाइम पे बागेश्वर के आसपास वाले इलाके में। याद रहेगी बात या? सुन लो, बात समझ में आ रही? क्या कहने की कुछ कर जा रही? हम क्या कह रहे हैं समझ में आ रहा है तुमको? अरे समझ में आ रहा है? तो 3 गढ़ों के नाम याद करवाए मैंने तुम्हें। सबसे पहला गढ़ कौन सा? नागपुर गढ़। सबसे अंतिम गढ़ कौन सा? लोधनगढ़। बघानगढ़ क्यों फेमस है? गढ़वाल और कुमाऊं का विभाजक माना जा। 3 ही गढ़ पढ़ने, यस और नो? आगे बढ़ जाएं। चलो अब यहां सबसे इंपोर्टेंट नंबर पर शुरू में 5-6 लाइन बड़ी इंपोर्टेंट लिखी हुई, इसलिए लिखवा रखी क्योंकि यहां तो बार बार सवाल बना था। ठीक है, जो गढ़वाल का जो परमार वंश है, इधर देख लो, जो गढ़वाल का परमार वंश है ना, गढ़वाल के परमार वंश तो यू समझ जाओ, गढ़वाल के परमार वंश तो 60 शासक आगे। तो 60 शासक न जो खास काम करा, वो मैंने एक ही पेज पर लिखवा दिया था, समझ नहीं बात या? कुछ ने बहुत अच्छा काम करा, और तुम चाहो तो इस पूरे पूरे सेक्शन को स्किप करना हो तो उन्हीं राजाओं के बारे में जाकर पढ़ भी सकते हो,
अभी मैं उनके बारे में बहुत कुछ बताऊंगा तुम्हें बोलकर, कल भी मैंने पढ़ने को दिया था तुम्हें इस तरह, आज पढ़ने को नहीं देने का, आज थोड़ा कंपेरिटी के साथ तुलना करते चलूंगा, क्योंकि मुझे 1849 पर लेके जाना तुम्हें, समझ गए, 1949 पर लेके जाना और छोड़ना कुछ नहीं, और परमार कुमाऊं के वंश के साथ तुलना भी करनी, समझ गए, और इनका गवर्नेंस भी देखना, प्रशासन, इसी दौरान पता क्या होगा, 1790 में चंद्रवंश भी समाप्त, गढ़वाल का जो परमार वंश है वो भी समाप्त, क्योंकि गोरखे आक्रमण कर देंगे, दर्द गोरखे आक्रमण कर देंगे, नहीं हर्षदेव जोशी के द्वारा उन्हें आमंत्रित करा जाएगा, आजा आजा, इसलिए कुछ लोग ना पहले तो बुलाया, उन्हें क्या पता इतने खतरनाक थे, अपने हाथ में खुरकी लेकर रखते थे और लोगों के बीच में ऐसे देते थे, ऐसे फाड़ देते थे, इतने डेंजर थे, खुरकी बहुत फेमस हथियार था उनका गोरखों का, पूरे यहां तक देहरादून तक चले आए थे, देहरादून तक उनका अड्डा था, लोग इतना खोप खाते थे गोरखों तो, अमर सिंह थापा, हस्तीदल चौरसिया, बड़े डेंजरस लोग थे, बड़े खौफनाक, महिलाएं बच्चे कुछ नहीं देखते थे, सबको मार देते थे, खुरकी उनका फेमस हथियार था, 1790 के आसपास आक्रमण करा उन्होंने और इस पूरे एरिया को तबाह करके चले गए, गए कैसे गए नहीं, 15 साल केवल शासन, 15-20 सालों तक शासन करा, 1790 में और 1815 में गए, तो 15 साल और 25 साल के आसपास शासन करा उन्होंने, 1790 में आए थे, 1815 में चले गए जब संगोली की संधि हुई, और संगोली की संधि पता किसकी साथ हुई थी, अंग्रेजों के साथ, अंग्रेजों तो खोप खाए किस तक, तो भला हो अंग्रेजों का, सही बात है, जो यहाँ तो भगा दिया उन्होंने, लेकिन अंग्रेजों ने भी नुकसान करा वो भी, लेकिन इतना नुकसान नहीं करा जितना गोरखाओं ने करा, अब पता कैसी सजा देते थे जो गोरखे थे, अगर कोई व्यक्ति ने कोई अपराध कर दिया ना, एक कढ़ा चलता रहता था पूरा का पूरा, उसे कढ़ा दीप बोलते थे, और उसमें तब तवा खोल होता था, गजनी ने कोई अपराध कर दिया ना, अब इसे पता करना सिर्फ सच नहीं करा है, झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है, इसका हाथ उठाया तपते तपते उसमें दे दिया, हाथ जल गया, हाथ जल गया तो अपराध करा, नहीं जला तो अपराध नहीं करा, सच्चे नहीं आने इसलिए जल गया ना, यो इकरी वहां सब करे थे बस समझ गए, अब सोच लो तुम इतने इतने डेंजरस थे, अभी हो उनके गवर्नेंस, हेलो उनके गवर्नेंस से बात करेंगे ना, उनका प्रशासन कैसा था, बड़े डेंजरस लोग थे, बस बहुत खतरनाक, तो गोरखे अभी नहीं आए, गोरखे थे पहले तो यही चल रहे हैं, यही आपस में लड़ लड़ के मर जाएंगे, समझ नहीं, पहले देख तो रहे ना कारण क्या था, क्यों आए गोरखे, तो पूरा का पूरा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर पर कम ध्यान देना चाहिए मेरे हिसाब से, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर पर देखो ना, एक या दो ही सवाल हो, ये राजा का इसके साथ युद्ध हुआ, एक दो सवाल बच्चा उसमें मर जा, पढ़ना चाहिए उनका गवर्नेंस, पढ़ना चाहिए उनका प्रशासन, पढ़ना चाहिए उनका टैक्सेशन, वो पढ़ते नहीं, और मेन समझ तो वही है वो, समझ गए, आजकल इस पीरी में भी पूछने लगा जाता स्टेटमेंट बना बना कर, वो पढ़ते नहीं, ये पूछो कौन से राजा की कौन सी लोंडी किसके साथ शादी हुई और कौन सा किसके साथ भाग गया था, राजनीतिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और सब पढ़ेंगे कूद कूद कर, देखो देखो मैंने राजा के पाऊ ताऊ के चाचा के फूफा के बाबा का नाम याद कर ले, कोई मना थोड़ा ही कर रहा है, आधे तो इतने बड़े बता दो राम है इतिहास में इतने लीन हो, कनक पाल की चप्पल का नंबर याद रखेंगे, इसका कुछ फायदा थोड़ा ही है ना, और देखो और आगे कुछ नहीं याद है, जीएस में कुछ नहीं आता, दूसरे चैप्टर वीक, तो इतना ही बहुत है बस, हो गया तक, अभी मैंने तीन गढ़वाल के शासकों के नाम बताए, जो तीन गढ़ थे, 52 गढ़ जीतने वाले का नाम पता लग गया, ठीक है, अच्छा गढ़वाल का जो परमार वंश था, कौन सा वंश था, ठीक, इसमें गढ़वाल का परमार वंश में 14वीं शताब्दी में, देखो यहां से नोट्स में जाओ, गढ़वाल के परमार वंश में 14वीं शताब्दी तक गढ़वाल क्षेत्र छोटे छोटे 52 ठुकरी राजाओं में बटा हुआ था, ये ना खसिया जनजाति का शासन रहा, यहाँ कौन सी जनजाति का, खसिया जनजाति का, सैन्य शक्ति तो है थी नहीं यहाँ से इनके पास, ठीक, तो इन्होंने अपने राजा अपने अलग अलग किले बना रखे थे, जो मैंने तुम्हें बताया इनके पास कोई स्पेशल सेना नहीं आती इनके पास, इन्होंने सब अपने अलग अलग किले बनाए हुए थे, पूछ रहेगा नहीं आता सवाल, ये देखो अगली इंपॉर्टेंट लाइन नोट्स में क्या लिखा हुआ, कि गुर्जर देश से परमार वंश के कनकपाल, लिखा नहीं कनकपाल नामक युवक तीर्थ यात्रा पर आए थे, आया था कनकपाल तीर्थ यात्रा पर, यही तो बात मैं बता रहा तुम्हें बोलकर, थोड़ी पढ़ने की बात डाल लो, गढ़ी राजा सोनपाल ने, गढ़ी राजा चांदपुर गढ़ी की बात को बता रहा हूँ, ये गढ़ी राजा हो रहा, गढ़ी राजा सुन लो, यहाँ के शासक ने ना अपनी लड़की का विवाह कनकपाल के साथ कर दिया था, तीर्थ यात्री था, गुर्जर देश आया था, सर ये गुर्जर देश कहाँ पड़ा, मध्य प्रदेश,
कहाँ सी? मध्य प्रदेश और उपी के आसपास का इलाका हुआ करता था, तो गुर्जर प्रदेश बोलते थे। ठीक है, यहाँ से आया था और आया और यात्रा पर और उसने इससे प्रभावित हुआ, प्रभावित हुआ, अपनी लड़की के साथ विवाह कर दिया। हमारी स्टोरीज के किसी काम की नहीं है, हमें तो ये जानना है ये संस्थापक है 888 ईस्वी का है। देख आगे पढ़िए, कनकपाल द्वारा 888 ईस्वी में चांदपुर गढ़ लिखा हुआ परमार वंश की नींव डालने वाला शासक, यही बात मैं तुम्हें चिल्ला चिल्ला कर बता रहा हूं। नेक्स्ट, 888 से लेकर 1949 तक लगातार जो शासन रहने वाला 60 शासक राज करने वाले, कितने? 60 राजा के बारे में पढ़ोगे तुम। इतनी बात, 37वें नंबर के राजा का क्या नाम है? सभारास में लिखा हुआ। ठीक, उससे पहले के ना जो इतिहास है उसका कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलता, नोट्स में सब लिखा हुआ, लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ। तो क्या मुझे अजय पाल को पढ़ना चाहिए? उससे पीछे के सारे छोड़ दूं? हाँ छोड़ देंगे, इतना टाइम भी नहीं है हमारे पास। आओ पढ़ते हैं और अजय पाल से स्टार्ट करते हैं बात अपनी। ठीक, आओ। मैंने कहा था अजय पाल के अंदर ना बड़ी ताकत थी, ताकत इसलिए थी कि उसने 52 के 52 गढ़ों पर कब्जा कर लिया था, अपनी बल भुजाओं के दम पर उसने 52 के 52 गढ़ों पर कब्जा कर लिया था। इसलिए अजय पाल को पमार वंश के अंदर महान शासक बताया जा, कुछ लोग तो इतने प्रभावित हो जाते इस गढ़वाल का अशोक की संज्ञा भी दे देते हैं। गढ़वाल का अशोक है, समझ में आती नहीं? जिस तरह मुझे दौलतपुर का अशोक कहा जा सकती है, तो मैं कुछ अच्छा काम नहीं कर रहा मैंने ना, सभी धर्मों को बढ़ावा दिया, मतलब पता नहीं लगना किसी को, बहुत रीजनल एरिया ना, आधे ढूंढते ढूंढते नहीं पता लग चुका। तो मैं यहाँ ना हरिद्वार का ना, मैं सुन लो, मैं हरिद्वार का अशोक हूँ। कहाँ का? हरिद्वार का अशोक कह सकते हो तुम मुझे, मैंने सभी धर्मों को संरक्षण दिया, सही बात है, सभी धर्मों को बढ़ावा दिया, सही बात, सबको बढ़ने का, आगे बढ़ने का मौका दिया, जाति में कोई भेदभाव नहीं करा, धर्म में कोई भेदभाव नहीं करा, तो तुम मुझे हरिद्वार का अशोक कह सकते हो। मोदी, हरिद्वार का मोदी कौन बोल रहा है? आगे चलो, इसने अपनी राजधानी ना, हेलो सुनने रहे क्या? इसने अपनी राजधानी ना सुनने क्या? इसने अपनी राजधानी चांदपुर गढ़ी से हटाकर पता कहा श्रीनगर कर ली थी। ये सवाल कई बार पूछा जाए, वो कौन से सन में करी थी, वो सन इंपोर्टेंट है, 1517 में। भाई चुप हो जाओ, 1517 में इसने अपनी राजधानी श्रीनगर कर ली थी चांदपुर गढ़ी से हटाकर। कहाँ कर ली थी? श्रीनगर, 1512 में देवलगढ़ी लिखा बात में, 1512 में, अच्छा 1512, हाँ तो 1512 में, तो इसने अपनी राजधानी 1512 में लिखा हुआ। ठीक है, छोड़ बस, ये श्रीनगर वाला बहुत ज्यादा फेमस है, इसलिए सवाल में भी कह रहा हूँ तुम। यहाँ देखो अगली लाइन में लिखा हुआ, अजय पाल ने 1517 ईस्वी में राजधानी श्रीनगर स्थानांतरित कर ली थी। ये ज्यादा फेमस और पॉपुलर सवाल है, MCQ में बार बार दिखाई देगा तुम। पता कब करी थी भाई, बताओ कर, 1517 ईस्वी में, जो सन वही याद करेगा जो काम के हो, बकवास सन नहीं याद करने, इतनी बात बताओ समझ में नहीं आई, कोई प्रॉब्लम? अजय पाल ने देवलगढ़ में अपनी कुल देवी राजेश्वरी देवी का मंदिर बनवाया था, ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है, अजय पाल से रिलेटेड जो फैक्ट इंपॉर्टेंट है उनको हम हाईलाइट करके चल रहे। राजेश्वरी देवी का मंदिर बनाया था देवलगढ़ के अंदर, कहाँ से? अजय पाल ने श्रीनगर में कालिका देवी मठ का निर्माण भी करवाया था, ये भी पूछा जा सकता सवाल, कालिका देवी मठ का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? किसने करवाया था बताओ, अजय पाल ने श्रीनगर में। अजय पाल को गढ़वाल का क्या कहा जा? अजय पाल को गढ़वाल का कृष्ण भी कहा जा, कृष्ण। अब सोच लो तुम, कृष्ण या कृष्ण? कृष्ण ही, कृष्ण तो बहुत बड़े चोर थे तुम्हें पता। एक बात समझ में नहीं आती, कृष्ण जी ने बहुत सारी महिलाओं को दिल तोड़ा, क्या कहूं ना बताओ क्या कहना चाहिए तुम, सीख लेना चाहिए, वो तो एक प्रकार का शोषण हुआ ना, कोई बात नहीं, चलो बाद में बात करेंगे इस टॉपिक पर कभी। सांवरी ग्रंथ में अजय पाल को आदिनाथ कहा गया, यह भी पूछा जा सका, आदिनाथ किसे कहा गया? सांवरी ग्रंथ, सांवरी ग्रंथ के अंदर क्या कहा गया? आदिनाथ।
सावरी ग्रंथ तांत्रिक विद्या आधारित पुस्तक, इसे छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। अजय पाल डिलीट हो गए 1519 ईस्वी में, अजय पाल चले गए बेचारे, कब चले गए 1519 ईस्वी में अजय पाल डिलीट, ठीक। उसके बाद देखो शासन कौन बनने वाला, दोबारा फिर भी प्रश्न पूछने वालों अजय पाल से रिलेटेड, कालीमठ सुनो ध्यान लगाकर, जो राजेश्वरी देवी का मंदिर कहां बनवाया गया पहले नु बताओ, श्रीनगर देवलगढ़ में, देवलगढ़ पौड़ी में पड़ा, जहां लक्ष्मण जी का मंदिर भी स्थित। उसके बाद 1517 में राजधानी कहां से कहां कर दी थी अजयपाल ने, चांदपुर गढ़ी से कहां कर दी थी, श्रीनगर कर दी थी, ठीक है शाबाश। गढ़वाल का कृष्ण किसे कहा जा, गढ़वाल का अशोक किसे कहा जा, अजयपाल कौन से नंबर का राजा, गढ़वाल का जो आदिनाथ, आदिनाथ की संज्ञा कौन से ग्रंथ में दी गई, सावरी ग्रंथ। अजयपाल की मृत्यु कब हुई, देवलगढ़ किधर को पड़ता है, पौड़ी में। अभी बताओ अजयपाल का जो उत्तराधिकारी था ना उसका नाम था कल्याण साहा, कौन सा साहा। उसके बाद देखो इसमें एक नाम आ रहा है नोट्स के अंदर, उसका नाम है कप्पू चौहान, पप्पूनी कप्पू चौहान, हाँ। तो जो कप्पू चौहान था ना, सुन लो, इसने ना अजय पाल के बारे में बड़ा मस्त कमेंट करा, कप्पू चौहान को मैं इसलिए ले आया हूँ खींच कर, देख लो नोट्स के अंदर में कप्पू चौहान को ले आया हूँ खींच कर, कप्पू चौहान को इसलिए ले आया हूँ खींच कर, मैं सारे सवाल सारे फैक्ट रिविजन करवाता चलूंगा, मैं भी कह रहा हूँ पढ़ लो सर। कप्पू चौहान उदयपुरगढ़, मैं पहले बताओ टोटल कितने गढ़ते हैं, 52। इसमें एक उदयपुरगढ़ पड़ा था, उदयपुरगढ़ का जो सरदार था उसका नाम कप्पू चौहान था, और कप्पू चौहान को पता क्या कहा, मैं पक्षियों में गरुड़ की तरह और पशुओं में सिंह की तरह हूँ, समझ की बात, पक्षियों में मैं तो गरुड़ की तरह सबसे बड़ा पक्षी वही हो, अब पशुओं में मैं सिंह की तरह हूँ, इतना महान बता रहा अपने आपको, छोड़ दो कोई दिक्कत। ऐसे मैंने बता क्यों लिखवाया, ऐसे ये स्टेटमेंट देखो नु पूछ ले कथन किसका, स्टेटमेंट देखो पूछ ले कथन किसका, कल क्या बताया था, अजयपाल सुन लो, अजयपाल अंतिम युद्ध उप्पू गुड़ पर ही हारा था, इसलिए मैंने यहां लिखवाया था, जो अंतिम युद्ध हारा था ना, किस तरह अंतिम युद्ध उप्पू गुड़ पर ही था, मतलब लास्ट जो युद्ध हुआ था ना इसकी सबसे लास्ट में, मतलब उन्होंने बताओ अजयपाल ने कितने गढ़ जीते, 52। जो 52वां गढ़ था ना उप्पू गढ़ ही था, और अजयपाल के साथ इसका ही युद्ध हुआ था, इस सरदार के साथ ही, सही बात या, इस सरदार के साथ युद्ध हुआ था, कप्पू चौहान के साथ युद्ध हुआ था लास्ट वाला उसका, अजयपाल का जो लास्ट युद्ध हुआ था, ठीक है, वो कप्पू चौहान के साथ हुआ था, और उसका कौन सा गढ़ था, उप्पू गढ़। और अपने आपको देखो क्या क्या संज्ञा दे रहा हूँ, पक्षियों में मैं गरुड़ पक्षी की तरह हूँ, और जो पशुओं में मैं शेर की तरह हूँ, सिंह की तरह हूँ, अपने आप ही अपनी तारीफ खुद से ही करे चले जा रहा है, चलो कोई दिक्कत यहाँ तक, चिड़ियाघर अपने अंदर इकट्ठा कर रखा है, पर मार कोई बात नहीं, सुन लो हो गया यहां तक। कप्पू चौहान के लिए अजयपाल ने क्या कहा था, ठीक सुन लो, अजयपाल ने कप्पू चौहान के लिए एक स्टेटमेंट बोल रहा था, वीर तुम जीत गए मैं हार गया, ये पूछे सवाल पूछा जा सके, वीर तुम जीत गए मैं हार गया किसने कहा था, 52वें गढ़पन ऐसी तैसी कर दी थी जीतते जीतते कप्पू चौहान ने, अजयपाल को धूल चटा दी थी, अजयपाल के पास तो बहुत सेना थी ना, सही बात या, अगर अजयपाल अकेला लड़ता ना ऐसी तैसी कर देता उसकी अजयपाल की, याद रहेगी बात या, वही फैक्ट टच करने वाले जहां तक सवाल बनेगा, बकवा नीचे जाओ। 42वें शासक सहजपाल अकबर के समकालीन थे, ये पूछा जाएगा तुम गढ़वाल का कौन सा शासक था, यहाँ पहले ही बताओ, इधर देखो यहाँ, जब हम कल कुमाऊं पढ़ रहे थे, कुमाऊं का कौन सा शासक था जो अकबर के समकालीन था, रुद्रचंद, बाज बहादुर चंद कौन बोल रहा है, गढ़वाल का कौन सा शासक था जो अकबर के समकालीन था, उसका नाम है सहजपाल। एक दो और आने वाला, घबराने की जरूरत नहीं है, अग तो सहजपाल का नाम याद रखना, 42वां शासक था वो, कौन सा,
देव देव प्रयाग में रघुनाथ मंदिर है, घंटी पर लेख लिखा 1561 ईस्वी का लेख, और ये सहजपाल का ही है, ये पूछा जाओ। अब देखो रघुनाथ मंदिर पहले नो बताओ कहां से, इतना भी कई बार पूछा गया, रघुनाथ मंदिर के अंदर जो घंटा लगा हुआ ना उस पर एक लेख लिखा हुआ, वो 1561 ईस्वी का सहजपाल का ही, और सहजपाल यो ही है वो, कौन है वो जो अकबर के समकालीन था। तो फिर वो कुमाऊं में कौन था जो अकबर के समकालीन था, पहली बार कुमाऊं का कौन सा शासक था जो अकबर के दरबार में गया था, उसके जो मुगल शासक, जो पहली बार मुगल शासक के दरबार में गया था, ज्ञानचंद, ठीक, किसके साथ किसके दरबार में गया था, फिरोज शाह तुगलक, कल ही बताया था गरुड़ ज्ञानचंद। नेक्स्ट अच्छा एक बात बताऊं तुम, जब यहां एक बात बताओ, गंगा कहां था निकला, गंगा गंगोत्री ग्लेशियर था। सबसे पहली बार अगर कोई देखने आया था पूरी भारत के अंदर कि गंगा कहां से निकला, अकबर ने पूरा का पूरा एक दल भेजा था गढ़वाल के अंदर ना, इन्हें खाना पीना खिलाने का काम सहजपाल नहीं करा था, आओ खाना पिया खाओ फिट, आओ देखो जाओ ऊपर जाकर कहां से निकल ली गंगा, खाओ पियो बैठो नहाओ धो, फिर मेहमानगिरी में आए हुए तुम, समझ गए ना तुम, इसी के नेतृत्व में आया था, तो सहजपाल के नेतृत्व में ही अकबर ने ना पूरा एक दल भेजा था, देख कहो गंगा कहां से निकल ली, पैदल पैदल चल गए, घोड़े पे बैठ कर गए थे, यहाँ कुछ दिन तक रुके थे, और रुकने के बावजूद फिर आगे चले गए थे सहजपाल के नेतृत्व में ही। सहजपाल 42 साल शासक था अकबर के समकालीन था, सुनने है क्या, कोई दिक्कत, चले नेक्स्ट। उसके बाद आया बलभद्र शाह, इन शासकों की वही चुप जाओ, इन शासकों की वही बात पढ़ेंगे जो इंपोर्टेंट होगी, सारी बातें नहीं पढ़ने के। अजयपाल के बाद 48 कौन सा शासक था, 43वां सहजपाल के साथ, सहजपाल के बाद ही 43वां शासक था, ये नहीं पूछने का 43वां कौन था 44वां कौन था, छोड़ दो सर, इसने अपने नाम के आगे शाह की उपाधि जोड़ी थी, ये पहला शासक था जिसने अपने नाम के सामने शाह की उपाधि जोड़ी थी, याद रखना बात, यहां तक सवाल पूछा जाओ वो कौन सा शासक था जिसने शाह की उपाधि धारण करी थी, बलभद्र शाह, कई बार पूछा जाओ, कई बार पूछा गया, याद रखना बात, यहां तो सबने अपने नाम के सामने शाह शाह लगानी स्टार्ट कर दी थी, अपेक्षा सहाय, सही बात, सब सहाय 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 हो गए, नहीं हो गए, सब नितिन सहाय, फलाने सहाय, ढिमके सहाय, जो सहाय सहाय करते चले जा रहे हैं ना, ये सारे बलभद्र शाह के वंशज, सही बात है, इनका सबका बापू वही था, कौन, बलभद्र शाह, शाह अमित शाह क्या है ना उसका, कौन सा, अरे बिहार का हो एक और, लालू प्रसाद यादव को बारे में पता क्या कहता, मैं कह रहा कौन से मंत्री है, माइक पे कह रहा कौन से मंत्री है, कौन से शाह है, नाम नहीं पता, नाम ले रहा है, कह रहा कौन से शाह है, एक उसके मंत्री ने बताया जी अमित शाह, बताओ भाई ये कब से शाह हो गए बता कब से शाह हो गए, शाह का मतलब अच्छी उपाधि धारण करी जा, कब के शाह है चुप कौन बात ना करो, हो गया यहां तक सुन लो, 1581 ईस्वी में, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन यहां, 1581 ईस्वी में युद्ध हुआ, ग्वालदम का युद्ध हुआ। जब ग्वालदम का युद्ध हुआ ना, उन शासकों का नाम पूछा जा, जब यहाँ बलभद्र शाह था गढ़वाल के अंदर शासक, पता कौन था, बलभद्र शाह, और यहाँ पता कौन था, रुद्रचंद। तो ये पूछा जा, एक तो बलभद्र शाह हो गया प्लस दूसरा कौन था, रुद्रचंद हो गया, इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ था, समझ गए, रुद्रचंद की शक्ति इतनी बढ़ती चली जा रही थी, अल्मोड़ा तक तो आ ही गया था वो, तू सोच रहा है इस एरिया में भी जाकर कब्जा कर लो, इस एरिया में जाकर उसने कब्जा कर लिया, और इन दोनों के बीच में बस यही सही गढ़वाल के शासक और कुमाऊं के शासकों के बीच में अणबन दूर हो जाएगी, ये पहला ऐसा समय था, ग्वालदम का युद्ध हुआ था, और ग्वालदम चमोली के अंदर पड़ा, और ग्वालदम सेब के लिए फेमस है, चाय के लिए फेमस है, ठीक, गैरसैंण के पास ही पड़ा, ज्यादा दूर नहीं पड़ता,
चले चलेगी? पैसे पता कितने लगा? फ्री जा जा महिलाओं के विकलांगों के लिए फ्री बता रहा। चुप हो जाओ, बात ना करो, चुप हो जाओ। ग्वालदम के युद्ध में ना पुरुषोत्तम पंत की मृत्यु हो गई थी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ग्वालदम का युद्ध था ना, हो इसके अंदर पुरुषोत्तम पंत की मृत्यु हो गई थी। अब पुरुषोत्तम पंत बताओ कौन है? पुरुषोत्तम पंत। अब बताओ किसका सेनापति था ये पुरुषोत्तम पंत? कौन था? किसका किसका? रुद्रचंद का, बलभद्र शाह का। खोले करे कॉपी, तारा मुंह खोलो। बताओ पुरुषोत्तम पंत किसका सेनापति था? रुद्र चंद का। अब बताओ रुद्रचंद को गुस्सा आकर यहाँ का उसका सेनापति मारा गया। ठीक, चलो नेक्स्ट। पहले ही बताओ ग्वालदम का युद्ध कब हुआ? 1581 में। किस किस के बीच में? कौन मारा गया था? किसका सेनापति था? रुद्रचंद का। कोई दिक्कत यहां तक? बस इतना ही पढ़ना इसमें। कवि देवराज ने बलभद्र शाह की तुलना भीम से करी थी, इसे याद करने की कोई जरूरत नहीं है, ना टाइम है हमारे पास। भक्त दर्शन के अनुसार परमारों की शाह की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। भक्त दर्शन अनेक, उसने युग लिखा हुआ परमारों को शाह की उपाधि दी थी औरंगजेब ने, इसे भी याद करने की कोई जरूरत नहीं है, टाइम नहीं है हमारे पास। लोग कहते हैं कि परमारों को शाह की उपाधि लोधी शासक बहलोल लोधी ने दी थी, ये भी पढ़ने की हमारे पास कोई जरूरत नहीं है। फिर आपने क्यों पढ़ा? पूछ लिया तो याद तो आ जाएगा कभी, इसलिए पढ़ा। पूछने का नहीं, घबराना। 44वें शासक पा जाओ। 44वें शासक का नाम है मान शाह। कौन से शाह? बताओ भाई, ये कब के शाह हो गए? मान शाह का लेख देव प्रयाग से मिला, क्षेत्रपाल मंदिर से। छत्रपाल नहीं है, क्षेत्रपाल मंदिर। शशि मंदिर नहीं, क्षेत्रपाल मंदिर। अब बताओ कब का? 1608 ईस्वी का। अब बताओ 1608 ईस्वी में दिल्ली गद्दी पर कौन बैठा हुआ था? जहांगीर, जहांगीर चित्रकारी था, जहांगीर। अच्छा, 1608 ईस्वी में रघुनाथ मंदिर 1610 ईस्वी से मिले, मान शाह के लेख, ये पूछा जा सक। पहले बताओ कौन था मंदिर? रघुनाथ मंदिर है क्या? एक तो रघुनाथ मंदिर, एक क्षेत्रपाल मंदिर है। एक क्षेत्रपाल मंदिर, क्षेत्रपाल मंदिर, क्योंकि मंदिर ऑटोमेटिक इंपोर्टेंट हो जाए, वहां तो जो लेख मिले। और दूसरा कौन था नो बताओ? रघुनाथ मंदिर, रघुनाथ मंदिर। दोनों कहां से पड़ा? देवप्रयाग में। देवप्रयाग कहां से? टिहरी के अंदर मौजूद। देवप्रयाग में गंगा का, उस अलकनंदा का और भागीरथी का क्या हो? संगम। याद रहा ये बात? या तो पवन भी कहां से? टिहरी में। टिहरी में तो नेक्स्ट। मान शाह के शासन काल में चंद शासक 7 बार लक्ष्मी चंद आक्रमण करा और 7 के 7 बार हरा। मान शाह के समय में 7 बार लक्ष्मी चंद आक्रमण करा, यहां का शासक था लक्ष्मी चंद, 7 बार आक्रमण करा, 7 बार आ गया। ये कई बार पूछा जाना चाहिए, वो कौन सा शासक था जिसने 7 बार गढ़वाल के शासकों पर आक्रमण करा, 7 के 7 बार डिलीट, हार गया लक्ष्मी चंद। 1605 में ठीक इस युद्ध में गढ़वाल सेना नायक खतड़ सिंह मारा गया। खतड़ सिंह मारा गया, गढ़वाल सेना नायक था, इसी कारण। तो बताओ गढ़वाल का सेनापति मारा गया खतड़ सिंह। खतड़ सिंह किसका सेनापति था ना बताओ? ये खतड़, सुन लो, खतड़ सिंह मारा गया। सुन लो ध्यान लगाया कर, बात कब की है? 1600 कब की? 5। 1605 ईस्वी। अब 1605 ईस्वी में दिल्ली गद्दी पर कौन बैठा हुआ टाइम? अभी अकबर। कौन? अकबर। सुन लो ध्यान लेते, तो अकबर अभी दिल्ली गद्दी पर, खतड़ सिंह मारा गया। खतड़ सिंह किसका सेनापति? गढ़वाल का। गढ़वाल के अंदर कौन शासक? मान शाह। इसका सेनापति खतड़ सिंह मारा गया। और खतड़ सिंह मारा गया किसने मारा? चंदवंश के शासकों ने। चंदवंश के शासकों को बताइए करे कौन था? लक्ष्मी चंद। अभी बताया तो लक्ष्मी चंद ने मार दिया इसको, मार दिया। तो बताओ गढ़वाल वाले खुश होंगे, कुमाऊं वाले खुश होंगे? कुमाऊं वाले इतने खुश हुए, वहां उन्होंने एक त्योहार बनाया खतड़ुआ।
किसने मारा? खतड़ सिंह को मारा। एक त्यौहार बनाया जा खतड़ुआ त्यौहार कुमाऊं के अंदर। सही बात, देखो देखो हम कितने मजबूत, हमने खतड़ सिंह को मार दिया, इतना मजबूत थे ना पसी को मार दिया। क्या कौन सा? इसी कारण यहाँ ना खतड़ुआ त्यौहार बनाया जा, पशुओं का त्यौहार आ गया। ठीक है चलो। बद्रीदत्त पांडे के अनुसार मानसा का सेनापति नंदी था। मानसा का सेनापति कौन था? नंदी। बद्रीदत्त पांडे तो पागल हो गए, कोई सारे लोग तो बता रहे इसका मानसा का सेनापति खतड़ सिंह था, बद्रीदत्त पांडे बता क्या है? ना ना नंदी था उसका सेनापति, पागल हो लिया। तो एक सातवें नंबर का जो पॉइंट लिखा हुआ ना उस लाइन से सवाल पूछा जाओ, उसने स्टार मार्क कर लियो। इसमें पूछा जाओ मानसा के समय गढ़वाल कवि भरत देव नाम इसका, भरत देव था जिसने मानवदेह काव्य की रचना करी थी। कोई पुस्तक ऑटोमेटिक इंपोर्टेंट होगा, याद रखना बात। या मानवदेह काव्य की रचना करी थी भरत देव ने। क्या नाम? मानवदेह काव्य की रचना किसने करी थी? याद रखनी बात या। ठीक, इसमें से देखो कुछ और इंपोर्टेंट है क्या? हाँ, कवि भरत ने जागीर द्वारा ज्योति का राय की उपाधि दी थी। छोड़ दो सभी, नेक्स्ट 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 जो फैक्ट इंपोर्टेंट होगा उसे टच करके चलेंगे। बाकी तुम्हारे पास टाइम होगा ना जब भी, तुम्हें पढ़ना होगा, आराम से लाइन टू लाइन पढ़ सको, सारे सवाल यहीं से हो जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट, मानसाह अकबर और जागीर दोनों के समकालीन था, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक, और राजा लक्ष्मीचंद के समकालीन था। जो मानसाह था ना, देखो यार मानसाह, इसने लक्ष्मीचंद का भी शासनकाल देखा और अकबर का भी शासनकाल देखा, दोनों के समकालीन था, और जागीर का भी किसका? तो यहां था सवाल पूछा जा, पक्की बात है पूछा जाना चाहिए। ठीक, ऐसा कौन सा शासक था जिसने जहांगीर और अकबर दोनों का शासनकाल देखा, गढ़वाल का शासक था, उसका नाम है मानसाह। मानसाह, मान जाओ ना, यानी मानसाह कौन से सहा, याद रहेगी बात है? एक जीदू बगड़वाल, जीजू नहीं है जीतू, जीजू। इसे पढ़ सको, मुझे उसका कुछ खास बात नहीं दिखाई देती, टीरी का रहने वाला था। ठीक, इसके समय गढ़वाल शासक मानसाह था, बस इतनी बात याद रखनी, जीतू बड़वाल के समय। नेक्स्ट, 45वां शासक श्याम शाह, श्याम शाह सहनसानी श्याम शाह। ठीक, पहली बात, सबसे पहला इंपोर्टेंट सवाल, यदि शासन काल नहीं पढ़ना 1611 से लेकर 30 तक पढ़ना नहीं बिल्कुल भी। ठीक, भूल लो सर। जागीर की आत्मकथा जागीरनामा, जागीर की आत्मकथा जागीरनामा, जागीरनामा पवार के वंश में 45वें शासक श्याम शाह का जिक्र मिलता है, इंपोर्टेंट सवाल। जागीरनामा याद रहेगी, जागीर की आत्मकथा, जागीर की आत्मकथा भी श्याम शाह का जिक्र मिल रहा है। इसे भी भूल सको फैक्ट को, तुम डिनाई कर सको, कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर याद रखेंगे, एक या दो लाइन ही पढ़ेंगे समझ, बस फालतू नहीं। मुगल दरबार ने श्रीनगर शासक श्याम शाह को घोड़े के हाथी उपहार दिए थे। छोड़ दो, श्याम शाह की मुगल जहांगीर की भेंट हुई, छोड़ दो। हाँ, नेक्स्ट, छठा पॉइंट पढ़ो, ये बत्तमीजी वाला काम कर रहा है, इसकी बत्तमीजी देखो। अच्छा हाँ, ये भी बात याद रख लो, ये गढ़वाल का ऐसा पहला शासक था जो मुगल दरबार में गया था, जहांगीर के, किसके? जहांगीर के। अच्छा ना बताओ यहाँ कौन गया था चंद्रवंशों में सबसे पहली बार? रुद्रचंद, गरुड़ ज्ञानचंद, ज्ञानचंद की उपाधि मिली थी, फिर वो साग तुगलक के दरबार में गया था। ये किसके दरबार में गया था? श्याम शाह। श्याम शाह किसके दरबार में गया? श्याम शाह, श्याम शाह, श्याम शाह किसके दरबार में गया था? जहांगीर, जहांगीर के दरबार में गया था, बहुत सारे उपहार भेंट सब चीजें ले गए। नेक्स्ट, श्याम शाह के समय सती प्रथा का उल्लेख मिलता है, कहा जाता है कि इसकी मृत्यु के पश्चात 60 रानियां सती हुई थी, इतना बड़ा कमी ना था, 60 रानियां सती होगी। ठीक, अब 60 रानियां सती होना आम बात समझ रहे हो तुम, अब सोचो महिलाओं का कितना शोषण था। ठीक, कभी तुमने सुना 60 राजा सती हो गए हो? एक ही वजह बहुत बड़ी बात है। देखो अच्छा, एक बात पूछू तुमसे, मान लो किसी कोई महिला, और महिला की बहुत सारी महिलाएं हैं बहुत जो विधवा हो जाती है कम उम्र में, जिनकी उम्र 25-30 साल से बहुत कम हो, उनके नहीं बहुत सारे जिनके बड़े बड़े बच्चे होंगे, जिनका एक दो भी बच्चा नहीं हुआ, सुन लो ध्यान लगाएगा, और उनके पति की डेथ हो चुकी और उनका अफेयर किसी और के साथ चल रहा,
अफेयर किसी और के साथ चल रहा, वो लड़की वहीं रह रही है अभी उसके घर में ही, जो उसका पति था पुराने वाला जो मर चुका। एक लड़की छोटी बच्ची भी हो सके उसकी, कोई छोटे छोटे बच्चे मतलब उसकी उम्र कम है लड़की की, तो उसका अफेयर सही है या गलत है? कितने बच्चे यूं कह रहे हो उसका अफेयर सही है? हाथ खड़ा कर दो। बस दो ही पीस मिले मुझे यहाँ से जो कह रहे हो उसका अफेयर सही है। सुन लो, देखो श्याम शाह के बारे में दो ही फैक्ट याद रखने। एक तो मैंने तुम्हें बताया ये जागीर के दरबार में गया था, एक ये याद रखना, सुन लो। और दूसरा याद रखना, इसने शिरोमणि ग्रंथ की स्थापना करके याद रखना, और कुछ नहीं याद रखना श्याम शाह के बारे में। नेक्स्ट आ जाओ महीपति शाह के बारे में। महीपति शाह न इसलिए फेमस, इसने ना रोटी सूची प्रथा की शुरुआत करी थी। अभी रोटी सूची प्रथा को समझने के लिए मैं थोड़ा सा 5 मिनट लूंगा मैं, और समझ लो थोड़ा सा भाई कथा कहानियां समझा तो सकूं। देखो सुन लो ध्यान लगाकर, यहां पता क्या हुआ करता था, यो पूरा का पूरा दे इधर देखो, ये पूरा का पूरा गढ़वाल, गढ़वाल के अंदर क्या हुआ करता था, ठंड पड़ती थी गजब की ऊपर के इलाकों में। ऊपर तो तिब्बत वाले लोग आक्रमण करते रहते थे, और जब आक्रमण करते रहते थे ना, और यहाँ दर्रे बने हुए थे, दर्रे मुंह निकल कर फिर भाग जाते थे। महीपति शाह ने सोचा, मैंने सोचा घर में घुस कर मारेंगे ना, जब घर में घुस कर मारेंगे तो बड़ी समस्या थी, ऊपर जाले इलाकों में ठंड पड़ती, यहाँ की सेना इसके व्यस्त नहीं आती उस ठंड के। अब जब महीपति साथ है ना,
तो गढ़वाल के शासकों ने क्या कर रखा था, खाना बनाने के लिए अपने रसोई के अंदर सरोला जो ब्राह्मण हुआ करता था वही खाना बना सकता था, सरोला ब्राह्मण की नियुक्ति कर रखी थी। अब जो सरोला ब्राह्मण हुआ करते थे वे ऐसे थे, एक धोती पहनेगा, एक छोटा सा कपड़ा और पहनेगा, वही खाना बनाएगा। ब्राह्मण ही खाना बना सका, केवल कोई खाना नहीं बना सकता रसोई के अंदर, ठीक, खाना अशुद्ध हो जाएगा, पहले से चली जा रही प्रथा, सही बात, इसे सरोला ब्राह्मण कहते थे। अब समस्या खड़ी हो जाती। और दूसरा क्या है, नग्न अवस्था में रहना पड़ेगा, एक छोटे से कपड़े पहनने पड़ेंगे बस, एक धोती पहननी पड़ेगी और एक कुर्ता हल्का सा पहनना पड़ेगा बस, वही हो, वही हो सरोला ब्राह्मण की, समझ गए, यही कारण है सरोला ब्राह्मण की नियुक्ति कर रखी थी उनकी। तो जो सरोला ब्राह्मण थे खाना बनाया करते, सुन लो, अब दिक्कत पता क्या खड़ी होगी, जब सेना पता कहां पहुंची, तिब्बत की तरफ पहुंची सेना, जब सेना तिब्बत की तरफ पहुंची तो इन्हें लगी ठंड वहां से। अब सरोला ब्राह्मण क्या करे, अब दिक्कत थी, अब जो प्रथा पहले तो चली आ रही, जो रीति रिवाज चला रहा, तोड़ना तो पड़ेगा, अब पहले किसी ने तोड़ा नहीं आया तो बड़ी समस्या खड़ी हो। जैसे मैं कहने लगू आज तुम, जब किसी लड़की का ब्याह होगा दहेज नहीं देना, तो आज आज ही प्राण छूट जाएंगे अंधों के, सबके गले सूख जाएंगे, पड़ोसियों के तारे जो दहेज लेने वाले उनके भी सूख जाएंगे, और सबको पता कर लेते हो और सब ले रहे, सब ले रहे, अब अंधे सब आंख खोल, कानूनों में लिखा हुआ गलत हो सब मचला रखा। महीपति सारण भी तो के समय में तो ऐसा हुआ, महीपति ने सोचा ऐसा कर नहीं सकता, जनता विरोध करेगी, ये थोड़ा ही किसी दलित व्यक्ति को भी खाना बनाने भेज दिया रसोई में, शुद्ध खाना शुद्ध होना चाहिए, रोटी स्वच्छ होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए। रोटी की शुरुआत तुम्हें पता कब हुई, सिंधु घाटी सभ्यता से चली आ रही रोटी, 5,000 साल में रोटी खोज हो चुकी थी, पाकिस्तान के अंदर हुई थी रोटी खोज, पहले 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 वो भारत के अंदर आवा था। चलो सुन लो सुन लो सुन लो, ध्यान लगा कुछ सुनो सुनो, सबसे पहली बार रोटी पता किन्ने बनाई थी, इंसानों ने बनाई होगी, इसमें क्या बात है, तो कुत्ता थोड़ा बना रोटी यार, ये भी कोई पूछने वाली बात थोड़ा ही है। चलो बात ना करो, सबसे पहली बार बात करा मैंने, ठीक, हाँ बात किसकी बात बता रहा मैं, तो ये जो ब्राह्मण थे ना, ये जो ब्राह्मण थे जब ठंड वाले इलाकों में चले गए ना, तो वहां लग रही ना ठंड, और ठंड लग रही बड़ी का, जबकि अब किचन में खाना भी बनाना, अब सरोला ब्राह्मण थे, कुछ सरोला ब्राह्मण ना खाना बनाते बनाते मर गए, कुछ उनकी जोब पे ही नहीं आए, सरोला ब्राह्मण का जो सरोला ब्राह्मण थे ना उनका काल पड़ गया, काल है ही नहीं, अब करो तो क्या करो, अब सेना को खाना भी देना, सेना सेना खाओ तो क्या खाओ, सेना को खाना भी तो देना पड़ेगा, राजाओं को खाना देना पड़ेगा, जब तो युद्ध में जाएंगे, इस तरह करके जो सेना थी ना बहुत बुरी तरह हारती चली जा रही थी, अब सबको लग रहा था हारेगी सेना है। उसके बाद पता क्या करा, महीपति सहन है ना, उस टाइम पर रोटी सूची प्रथा की शुरुआत कर दी, उन्होंने कहा सब ड्रामा बंद करो, अब खाना कोई भी बना सको, कपड़े पहन के बनाओ कोई दिक्कत नहीं है, धोती कुर्ता पहनो ना पहनो, चाहे नंगे बनाओ कैसे भी बनाओ खाना बनाओ, समझ गए, रोटी एक स्वच्छ चीज है, सूची सूची मतलब जानते नहीं क्या, सच अच्छी चीज है रोटी, उसको कोई भी बना सके, किसी का भी अधिकार हो सके, और सब ये भेदभाव खत्म कर दिया गया, और रोटी की शुरुआत वहां कोई भी बना सके, और रोटी सूची प्रथा की शुरुआत करी महीपति साना, यो रोटी सूची प्रथा, वो मैं पढ़ाता नहीं, मैं कहा काम का नहीं है इतना, ठीक आओ मैं कभी मेन्स में अड्डे पर निकाल कर बताऊंगा क्या हो, याद रहेगी बात या? लेकिन जो महीपति शाह था इतना अखड़ राजा, इतना अखड़ राजा, जब शाहजहां का राज्य भी शेख हो रहा था ना, इन्हें साफ मना कर दिया, मैं जाता नहीं, जो करना कर लगा, जाता नहीं, गया नहीं उसके राज्य भी शेख में, मान लो मोदी जी कल को गद्दी पे बैठे, पुष्कर सिंह धामी कल को नु कहते मैं जाता नहीं, जो करना कर ल, समझ गए, ये वाली हालत शाहजहां की, तो हाँ ना, हाँ शाहजहां के राज्य से बेग मैंने पूछा, इसे अक्कड़ राजा की उपाधि दी गई, याद रहा ये बात, या पता तिब्बत पर 3 बार आक्रमण करा महीपति शाह, क्योंकि रोटी सूची प्रथा की शुरुआत कर देते ना, समझ गए, माधो सिंह भंडारी, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, माधो सिंह भंडारी पूछा जा, माधो सिंह भंडारी के बारे में, अब रानी कर्णावती भी आगे देखो फटाफट देते स्पीड, माधो सिंह भंडारी पहले बताओ, माधो सिंह भंडारी का जन्म कहाँ हुआ, मिथिला में, टिहरी गढ़वाल में, लिखवा रखे मैंने, क्यों पूछ रखे सवाल ही, इसलिए लिखवा रखे, पिता का नाम क्या है, कालू भंडारी, क्यों नहीं पूछने का, अभिलेख देखो उसका, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, माधो सिंह भंडारी का अभिलेख कहां से मिल रहा है, देव प्रयाग रघुनाथ मंदिर के द्वार पर इसके पुत्र गजे सिंह व पुत्र वधु मथुरा बेरानी का उल्लेख मिलता है, ये कुछ नहीं पूछने का, पूछेगा
माधव सिंह भंडारी का उल्लेख कहां से मिल रहा है? यहां तो मिल रहा देवप्रयाग के अंदर रघुनाथ मंदिर में, बस इतना ही पूछेगा। उसके बाद आ जाइए, माधव सिंह की मृत्यु सतलज नदी, एक फैक्ट लिखा हुआ सबसे ला, तुमुली के युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुआ माधव सिंह भंडारी। माधव सिंह भंडारी मारा गया कौन से युद्ध में? तुमुल युद्ध में। याद रहेगी बात क्या? छोटा चीन के युद्ध, छोटा चीन क्या दो, छोटा चीन के अंदर तुमुल के युद्ध के अंदर वीर गति को प्राप्त हुआ माधव सिंह भंडारी, याद रखनी बात है। उसके बाद माधव सिंह भंडारी की मृत्यु सतलज नदी के तट पर, छोड़ दो। रानी कर्णावती बजाओ, यही तिवा रानी, रानी कर्णावती जिसने ना अंग्रेज उसके इनके मुगलों को ना पकड़ पकड़ कर ना मुगलों को देहरादून के अंदर सिद्ध नाक के कटवा दिए। मुगल शासक आए थे यहाँ आक्रमण करने, गरी आजा मैं बताऊंगी तुम्हें। 1636 ईस्वी की बात होगी, 36 की ना, 1636 ईस्वी में ना इधर मुगलों को पकड़ पकड़ कर नाक कटवा देते उनके, इसलिए इसका नाक कटनी रानी नाम रख दिया था। ठीक है, मुगल बहुत खौफ खाना स्टार्ट कर देते, चलो तुम्हारे गढ़वाल के अंदर, तुम गढ़वाली हो ना, तुम्हारे गढ़वाल के अंदर ऐसी ऐसी महिला शासक कब दे, तुम प्रेरणा लेनी चाहिए। कल को पीसीएस के इंटरव्यू पूछेगा तुमसे, बताओ गढ़वाल में ऐसी कोई महिला का नाम बताओ इतिहास के अंदर जिसे तुमने सीख ली हो। ठीक है, तुम बताओगे पता क्या, मैं सबके नाक काट दूंगी। ठीक है, अगर आपने मुझे डीएसपी बना दिया तो मैं ना रानी कर्णावती तो सीख लेना चाहूंगी, मैं सबके नाक उड़ा दूंगी। सुन लो, यह महीपति, महीपति शाह की पत्नी थी। पहली बात तो किसकी पत्नी थी? जब महीपति शाह डेंजरस था तो पत्नी क्या कम होगी? ठीक, महीपति शाह की मृत्यु के बाद पृथ्वीपति शाह शासक बना, उसका लड़का ही था वो महीपति शाह का, क्या नाम है? पृथ्वीपति शाह। पृथ्वीपति शाह छोटा सा था, गद्दी पे बैठ नहीं सकता था, लेकिन उनकी जो संरक्षिका थी उस जो प्रशासन संभाला रानी ने, उसका नाम था रानी कर्णा, रानी कर्णावती। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात। 1636 में मुगल सेनापति शाहजहां का नवजात खान ने दून घाटी पर आक्रमण कर दिया। शाहजहां ने भेजा था, नवजात खान ने दून घाटी पर आक्रमण कर दिया। अब बताओ रानी कर्णावती के एरिए में आकर और तुम देहरादून वाले इलाके पर आक्रमण करते हो और पूछते भी नहीं, इतनी बदतमीजी। भेजा इन्होंने अपने सैनिकों को, जाओ जो भी मिला ना ठाक, खुरकी इनके पास भी थी वह खुरकी, वाह ठाक सीधे नाक कटवा दिए सबके, नाम बढ़ गया नाक कटनी रानी। नाक कटने रानी किसने कहा? शिव प्रसाद डिबराल ने, ये पूछा जा सके। शिव प्रसाद डिबराल ने कहा से नाक कटने रानी, कोई दिक्कत यहां तक? अब आ जाओ पृथ्वीपति साहब, पृथ्वीपति शाह कौन है? किसका बेटा है? महीपति शाह का। महीपति शाह कौन पता लग गया ना, कर्णावती का कौन पति, ये याद मायने रखता है ना कि काम मायने रखो क्या क्या काम करे। ठीक, पृथ्वीपति शाह का राज्याभिषेक हुआ 1640 में, पूछने का नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल। 7 वर्ष का था, कितने का? 7 साल गद्दी बैठ गया पतिपुर शहरी से, नहीं बताया था देहरादून के अंदर। छोड़ दो कुछ नहीं। 7वें नंबर का पॉइंट देखो, पृथ्वीपति शाह ने इसने ना सुलेमान सिखो को 1658 ईस्वी में शरण दी थी। दिल्ली की गद्दी पर औरंगजेब बैठा हुआ था, कौन बैठा हुआ था? और औरंगजेब डेंजर आदमी था, और ये सुलेमान सिखो औरंगजेब का पुत्र था, और ये पृथ्वीपति शाह ना रानी कर्णावती का लड़का आयो, और महीपति शाह का लड़का, इसने ना सुलेमान सिखो को शरण दे दी, और शरण दे दी ना बस यही से इनके बीच में टक्कर होनी शुरू हो जाएगी, मुगलों के बीच में और उनके बीच में गढ़वाल शासकों के बीच में। सुलेमान सिखो को ए भागा शहजादा भी कहा जाता है। सुलेमान सिखो को, सुलेमान सिखो यहाँ का नहीं है, दिल्ली से आया हो, लेकिन सुलेमान सिखो ना अच्छा शासक था, अगर वो हो सकता था तो वो सबकी बात करता था, वो एक ही धर्म को बढ़ावा देने की बात नहीं करता था सुलेमान सिखो। दारा सिखो को लघु अकबर भी कहा जाता है। दारा सिखो क्या कहते हैं? सुलेमान सिखो ने 17 आदमियों के साथ गढ़वाल में शरण ली थी। 17 आदमी थे इसके साथ, यहाँ इन्होंने गढ़वाल में शरण ली थी। ठीक, और इन्हें बचाने का काम करा था। औरंगजेब ने सुलेमान सिखो को पकड़ने के लिए जय सिंह को भेजा था। किसे भेजा था? अब देखो दो व्यक्ति का नाम आ रहा है, एक तो मेदिनी शाह आ रहा है, एक राम सिंह आ रहा है। ये पता कौन? ये पुत्र, पता किसके पुत्र है? ये पता किसके? मेदिनी शाह पता किसका पुत्र? मेदिनी शाह पुत्र पृथ्वीपति शाह का। और पृथ्वीपति शाह के मेदिनी शाह पुत्र ना उसने धोखा दे दिया अपने ही बाप को, और जाकर ना इस जो सुलेमान सिंह होता जो यहाँ छुप कर बैठा हुआ था इसे जाकर औरंगजेब को सौंप दिया। समझ गए? बड़ी दिक्कत खड़ी होगी। मेदिनी शाह ने पृथ्वीपति शाह ने मेदिनी शाह को अपनी जायदाद से बेदखल कर दिया, जाओ तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं आगे वाला। ये लिखा हुआ क्या? देश से निकाल दिया था। लिखा देखो, पृथ्वीपति शाह ने मेदिनी शाह को देश से निकाल दिया। मेदिनी शाह को डरपोक पुत्र कहा जाता है। कौन सा पुत्र? मेदिनी शाह की दिल्ली में 1662 में मौत होगी।
ठीक आगे चलो, हार्ट कोहली की संधि छोड़ दो, कुछ नहीं आया। औरंगजेब 1665 में फतेह शाह को बनाने की बधाई देता है, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं आया। फतेह साहब आ जाओ, फतेह साहब पद कौन सा सहा? बहुत बहुत ज्यादा सवाल पूछेगा फतेह साहब, बहुत ज्यादा सवाल फतेह साहब से, बहुत ज्यादा सवाल पूछेगा। फतेह शाह को गढ़वाल का शिवाजी कहा जा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट है। गढ़वाल का शिवाजी किसे कहा जा? फतेह शाह। कुमाऊं का शिवाजी किसे कहा जा? कुमाऊं का शिवाजी किसे कहा जा? गढ़वाल का शिवाजी तो फतेह शाह को कहा जा, कुमाऊं का शिवाजी किसे कहा जा? कॉपी खोल कर देख लो, नहीं तो कान पर मारूंगा खींच के अच्छी तरह। पचास गलती निकली इसके टेस्ट में। नेक्स्ट, उसके बाद आया फतेह शाह, कौन सा शाह? तो फतेह शाह को गढ़वाल का क्या कहा जा? कुमाऊं का शिवाजी कैसे कहा जा? शिवदेव जोशी को। कहां का शिवाजी? गढ़वाल का। इसे तो एक बताया जी का चाचा हो लगता है वो चाचा। फतेह शाह गुरु गोविंद सिंह की भांति घोड़े पर बैठा चित्र मिलता है, छोड़ दो सो। हरिकर्षण नौतुड़ी ने छोड़ दो सभी। मती राम ने फतेह शाह के काल को गढ़वाल का स्वर्ण काल कहा है। भाई सुन लो, मती राम शाह ने गढ़वाल के काल को, गढ़वाल के अंदर जितने राजा हुए ना, सबसे जो अच्छा काल रहा फतेह शाह का काल का रहा, और गढ़वाल के काल को स्वर्ण काल कहा जा। गढ़वाल के काल को, फतेह शाह के काल को गढ़वाल का जो समय था उस स्वर्ण काल कहलाया। अब बताओ कुमाऊं के समय का स्वर्ण काल किसे कहा जा? जगत चंद। याद रखनी बात है, ऐसे तुलना कर करके पढ़ना, समझ गए? अब भेगाणी का युद्ध, ये इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, युद्ध आ जाएगा ऑटोमेटिक इंपॉर्टेंट। क्या नाम है? भेगाणी। भेगाणी का युद्ध पहले उन्होंने बताओ कब हुआ? 1688 में। एक तो सन पूछा था इंपॉर्टेंट, आगे बताओ किस किसके, गुरु गोविंद सिंह और फतेह शाह के बीच में हुआ। एक तो गुरु गोविंद सिंह और फतेह शाह, फतेह शाह दोनों के बीच में हुआ, गुरु गोविंद सिंह और फतेह शाह के बीच में हुआ। याद रहेगी बात, या कोई दिक्कत? किसका युद्ध? इस युद्ध का वर्णन गुरु गोविंद सिंह की आत्मकथा विचित्र नाटक, ये पूछा जा सके। विचित्र नाटक किसकी आत्मकथा? विचित्र नाटक किसकी आत्मकथा है? गुरु गोविंद सिंह के। गुरु गोविंद सिंह, क्या नाम है? विचित्र नाटक। याद रहेगी बात, या फतेह शाह को गढ़वाल का अकबर भी कहा जा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। फतेह शाह को गढ़वाल का क्या कहा जा? अकबर भी कहा जा। इसके दरबार में नवरत्न ना करते, कौन ना करते थे? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, नवरत्न के नाम भी है। इनके नाम देखकर नो पूछ लेगा किसके दरबार में थे, तो इन नवरत्न है इसी फतेह शाह के दरबार में थे। फतेह शाह के गुरु राम राय को दरबार में, अपने दरबार में बुलाया और देहरादून के गुरुद्वारा बनाने की मदद की थी, छोड़ दो सभी, कोई दिक्कत नहीं है। फतेह शाह का उत्तरा, फतेह शाह ने समुद्रगुप्त की तरह ही मुद्रा लेख लिखवाया था, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जिस तरह भारत का शासक हुआ नहीं समुद्रगुप्त, उसने अपने लेख लिखवाए थे मुद्रा लेख, इसी तरह से अपने मुद्रा लेख लिखवाए थे। पूछा जा सके गढ़वाल का कौन सा शासक था जिसने अपने मुद्रा लेख लिखवाए थे, इसलिए फतेह शाह को बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से क्लिक करके सब कुछ नहीं छोड़ना इसके बारे में। सारे राजा नहीं पढ़ने, जो जो राजा थे मैंने उसकी जो खास बात सब बता दिया तुम। आगे चलो बताओ अच्छे तरीके से, और कौन सा शासक हुआ? उपेंद्र शाह की मृत्यु लिखा हुआ, इसका उत्तराधिकार कौन बना? उपेंद्र शाह एक साल तक शासन कराया था ना, उसके बाद पता क्या हुआ? उपेंद्र शाह की मृत्यु होगी दीपावली के दिन। कौन से दिन हुई? दीपावली के दिन। कोई दिक्कत यहां तक? चले अब फतेह शाह के दरबारी कवि आए कुछ, यहां तो पक्का सवाल है। इन मतलब 10 पॉइंट लिखे हुए, एक सवाल मानकर चलिए पेपर में। फतेह शाह इतना इंपॉर्टेंट है, 10 पॉइंट लिखे हुए या पुस्तकों के नाम आगे बहुत ध्यान से अच्छे तरीके से, यही वो चीज है जो हाईलाइट करके चलनी है बिल्कुल, ठीक है? सब मेन मकसद है सवाल करना। अब देखो रतन कवि जटाधर वह मतीराम फतेह शाह के दरबारी कवि थे, पूछा जाएगा ये एक तो जटाधर होगा, रतन कवि होगा, मतीराम ये किसके दरबार में रहा करते थे? तो आंसर फतेह शाह। कॉमन सेंस भी यूज कर लिया, अच्छा यार गढ़वाल में एक ही शासक ऐसा हुआ जिसके दरबार में नवरत्न ना करते थे। अच्छा बताओ कुमाऊं का कोई ऐसा शासक हुआ जिसके दरबार में नवरत्न मिले तुम्हें? है तो नहीं। कुमाऊं का विक्रमादित्य किसे कहा जा? और वही बेवकूफ था, समझ गए, पागल राजा भी तो वही था। कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक किसे कहा जा? देवी चंद को। पढ़ लो पहले कहा था तुम। फतेह शाह कर्ण ग्रंथ ये किसने लिखा है?
फतेह साहब कण ग्रंथ किसने लिखा? जटा धरना। याद रखनी बात या? ये पूछा जाएगा, मैं पहले बता रहा हूं इसमें सवाल। श्री रतन कवि का हस्तशिल्प ग्रंथ फतेह साहब प्रकाश। श्री रतन कवि ने जो इन्होंने लिखा हस्तशिल्प हस्तलिखित ग्रंथ जो हाथों से लिखा उसका नाम फतेह साहब प्रकाश। रतन कवि का दूसरा नाम छेमराज। छेमराज अभी पूछने वाला हूं, तुम बताओ फतेह साहब कण ग्रंथ किसने लिखा? अब फतेह साहब प्रकाश, रतन कवि, रतन कवि का दूसरा नाम छेमराज। देखो क्या रतन कवि ने क्या लिखा, अनु करा फतेह साहब के समय में इतनी शांति थी जब तो स्वर्ण काल कहा जा, लोग अपने घरों पर तिजोरी पर ताला बिन लगा। हाँ, एक ग्रंथव्रत और कौमुदी छंसार पिंगल की रचना कवि मतीराम ने करी थी। किसने करी थी? मतीराम ने। कितने कवि थे इसके दरबार में? तीन, एक तो रतन कवि, एक जटाधर, एक मतीराम। तो बताओ छंद ग्रंथ हुआ, कौमुदी हुआ और छंद सागर पिंगल हुआ, इनकी रचना किसने करी थी? मतीराम ने। कवि सुखदेव ने अपने ग्रंथ वर्त विचार में फतेह साहब की वीरता का वर्णन करा। ठीक, तो कवि सुखदेव ने अपने ग्रंथ वर्त विचार में पूछा, वर्त विचार किसने लिखा है? कवि सुखदेव ने लिखा है। किसने लिखा है? फतेह साहब ग्रंथ का संपादन ठाकुर सूरवीर सिंह ने किया। इसका संपादन एडिशन किसने छपा इसका? उसके बाद फतेह साहब यशोवर्मन पुस्तक के रचयिता कौन? रामचंद। कौन? अब मैं तुमसे ये सुनने जा रहा हूं फटाफट, देते स्पीड से जितने भी कौन कौन से ग्रंथ किसने लिखे अभी रैंडमली सुनूंगा, सिर्फ दो तीन मिनट याद करने के लिए, फटाफट देते स्पीड दूर ये चट्टा खींचूंगा अल्प। नेक्स्ट चलो, कौन सा साहब पढ़ रहे हम? फतेह साहब। फतेह साहब के दरबारी कवि हो गए, तो बताओ फिर मुझे फतेह साहब कण ग्रंथ किसने लिखा? पढ़ ले जल्दी फटाफट। जटाधर। फतेह साहब प्रकाश किसने लिखा? रतन कवि। अच्छा छेमराज इसके नाम है। वर्त विचार ग्रंथ किसने लिखा है? वर्त विचार सुखदेव। फतेह साहब ग्रंथ का संपादन फतेह साहब यशोवर्मन पुस्तक के रचयिता। इसके बाद आया फतेह साहब का जो पोता था वो बना शासक, उसका नाम प्रदीप साहब, मतलब ये अच्छा शासक। प्रदीप साह के समय में तुम गढ़वाल के शासक और जो परमार के शासक, गढ़वाल के परमार वंश के शासक और कुमाऊं के संत शासक ये चंदवंश के शासक, इनके बीच में मैत्री संबंध दिखाई देंगे, तुम अच्छे संबंध दिखाई देंगे। चलो, शासनकाल 1777-1757 तक। ठीक, छोड़ दो। सन्नक्षिका कौन थी? कनकदेई। प्रदीप साह के पिता का नाम था दिलीप साह। प्रदीप साह के जो सेनापति थे ना, ये सब लिख के भेज। प्रदीप साह छठे नंबर का पॉइंट इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले बताया था मुझे, मैं वो कल्चर पढ़ा था यहाँ का, तो मैंने उनको बताया था कि जो प्रदीप साह था ना, ये मोलाराम से पेंटिंग सीखने जाया करता था, समझ गए? ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद प्रदीप साह ने दून की राजधानी नवादा से हटाकर धामू वाला स्थापित की थी, छोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं आई। प्रदीप साहब का दरबारी कविता मेघाकर शर्मा इंपोर्टेंट है, नाम रखना याद इसका। इसने एक पुस्तक लिखी थी रामायण प्रदीप, तो मेघाकर शर्मा के द्वारा लिखी रामायण प्रदीप पुस्तक, याद रखनी बात है। पुस्तक का नाम इंपोर्टेंट हो जा, कई बार पूछेगा। रामायण प्रदीप हो गया यहां तक। इसी के समय में ही रोहिलो का आक्रमण हुआ था। किसका? तो रोहिलो का आक्रमण हुआ था, और जो है ना प्रदीप साहन चंद शासक जो कल्याण चंद चतुर्थम कल्याण चंद उसकी सहायता ली थी। चंद शासक कल्याण चंद, देखो कल्याण चंद यहाँ का शासक, यहाँ का प्रदीप साह होगा। जब रोहिलो का आक्रमण होगा इस एरिया पर, रोहिलो का आक्रमण तो चला जा रहा, तो फिर दोनों ने मिलकर उसका मुकाबला करा था। पता लग गया? तो यहाँ दोनों के बीच में दोस्ती दिखाई देगी। देखो प्रदीप साह का कार्यकाल चंद व परमार वंश की मित्रता के लिए जाना जाता है। ये सवाल पूछा जाओ, ये अच्छा सवाल बन गया ना यहाँ तक। आज तक पहले इनकी दोस्ती हुई नहीं, और प्रदीप साह के समय में आते दोस्ती होगी इनकी, समझ गए? तो पता लग चुका है ना। अच्छा ये बताओ, जब यहाँ प्रदीप साह का शासन, तो वहां किसका शासन होगा? कल्याण चंद चतुर्थम, अभी बताया तो सही बात है। किसका आक्रमण हुआ इनके समय में? कल्याण चंद का आक्रमण हुआ, रोहिले का आक्रमण हुआ, नींद चढ़ रही है, उतार दूंगा नींद भी वहीं से आएगा। उसके बाद है ललित साह,
उसके बाद कौन आया 1772 ईस्वी में, यही गद्दी बैठा। कुमाऊं का चंद शासक दीपचंद था उस टाइम, कौन था? दीपचंद, इसके दीप बुझ गए थे बाद में, जिसके शासन पर मोहनचंद ने कब्जा कर लिया था। अब बताओ कुमाऊं के अंदर मोहनचंद ने कब्जा कर लिया था, नहीं? वो दीपचंद का ही भाई था, पता तुम? दीपचंद का तो भाई था। पढ़ो अग, सिखों ने दो बार 1775-78 में देहरादून पर दो बार आक्रमण करा। ललित शाह है सिखों के बीच में सिरमौर का युद्ध हुआ। सवाल पूछा था सिरमौर का युद्ध किस किसके बीच में हुआ, एक तो ललित शाह, सिरमौर यही पड़ा ना, एक तो ललित शाह के बीच में हुआ, ललित शाह के बीच में, और किसके हुआ? सिखों के बीच में, सिखों के बीच में किसका युद्ध? सिरमौर का, सिरमौर। और सिरमौर शिमला किन्नौर कहां पड़े हैं? हिमाचल प्रदेश जिले वहां के हैं, ठीक। तो सिरमौर का युद्ध इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सिरमौर जिला है, कहां का? हिमाचल प्रदेश का। उसके बाद बगवाली पोखर का युद्ध हुआ, किसका? अच्छा ये बताओ सिरमौर का युद्ध हुआ, हर्षदेव जोशी ने ललित शाह को कुमाऊं का विजय करने वाला के लिए आमंत्रित किया, देखिए लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ, हर्षदेव जोशी ने ललित शाह को कुमाऊं पर विजय करने के लिए आमंत्रित किया था। ये हमारा कुमाऊं है ना, यहाँ कौन है? हर्षदेव जोशी। हर्षदेव जोशी पता किसका किसका सेनापति है? हर्षदेव जोशी पता किसका सेनापति? दीपचंद का, मोहनचंद का। दीपचंद का आयो, और दीपचंद को पता क्या हुआ था? मोहनचंद ने ना दीपचंद को गद्दी पर उठा दिया था, कब्जा कर लिया था। मोहनचंद ने ना दीपचंद को गद्दी पर उतार दिया, कुमाऊं की बात कर रहा हूँ, गद्दी पर उतार दिया, यहाँ कब्जा कर लिया। उसके बाद उसका सेनापति बैठा दिया वहां से, जो सेनापति था वो हर्षदेव जोशी था। हर्षदेव जोशी गुस्सा आया, हर्षदेव जोशी ने पता क्या करा, यहाँ के शासक को यहाँ बुला लिया। हर्षदेव जोशी ने यहाँ के शासक को यहाँ बुला लिया, जब यहाँ के शासक को यहाँ बुला आमंत्रित करा कि इस पर कब्जा करो, ठीक। किसने आमंत्रित करा? ललित शाह, हर्षदेव जोशी ने। बगवाली पोखर का युद्ध हुआ 1779 ईस्वी में, ललित शाह और मोहनचंद के बीच में हुआ। एक तो ललित शाह हुआ, देखो ये बगवाली पोखर का युद्ध पूछा जा, कब हुआ? 1779 क्या, इतना ही है? क्या नाम है? बगवाली पोखर का युद्ध, और किस किसके बीच में हुआ? ललित शाह और मोहनचंद के बीच में, मोहनचंद के बीच में। करना क्या चाहिए बच्चे को, एक होशियार बच्चे को पता क्या होना चाहिए, जितने भी गढ़वाल के अंदर महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण घटना हुई ना गढ़वाल के परमार वंश में, सर एक पेज पर ले आओ, जो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण घटना लग रही, जो मैंने बोर्ड पर लिखी ना जानबूझ कर, कौन कौन सा युद्ध हुआ, ग्वालदम का युद्ध हो गया, सिरमौर का युद्ध हो गया, बगवाली पोखर का युद्ध हो गया, सर एक पेज पर ले आओ, किस किसके बीच में हुआ, हल्का हल्का छोटा सा छोटा वही शॉर्ट नोट्स बना, लास्ट के एक पेज पर भर दो जाकर, अपने नोट्स में काम करना तुम, समझ गए? वहां से ज्यादा सवाल आ जाएगा, उसे तुम याद भी कर लोगे, इतना बड़ा पढ़ने में टाइम लगा, उसे एक पेज को फटाफट पढ़ लोगे, समझ गए क्या करना? उसे एक पेज को देख के सारा याद आ जाएगा। हम चलो ये बार बार इतना नहीं पढ़ना पड़ने का, तो इतना काम कर लेना चाहिए। ललित शाह ने अपने पुत्र प्रद्युम्न शाह को कुमाऊं की गद्दी पर बैठाया, लेकिन ललित शाह ने कुमाऊं पर आक्रमण किया और मोहनचंद युद्ध से भाग गया। मोहनचंद भाग कहां चला गया? लखनऊ। इस पूरे एरिया पर ना ललित शाह का कब्जा होगा, किसका होगा? तो ललित शाह ने ना अपने पुत्र को यहां बैठाया गद्दी पर, कुमाऊं की गद्दी बैठाया। अब कुमाऊं की गद्दी बैठाया, उसका नाम था प्रद्युम्न शाह। अब पूरे एरिया पे ना गढ़वाल, जो गढ़वाल के परमार वंश था उनका कब्जा होगा पूरे एरिया पे, हो चुका है। बाद में जाकर ललित शाह मर जाएगा, प्रद्युम्न शाह इधर से इधर चला जाएगा। जब प्रद्युम्न शाह इधर से इधर चला जाएगा, जो वो व्यक्ति यहाँ लखनऊ में बैठा हुआ था मोहनचंद, उसने सोचा गद्दी तो खाली, गद्दी खाली समझ कर वहां कब्जा कर लगा, उस एरिया पे चला जाएगा। समझ बात है, इसी एरिया पे जाकर दोबारा फिर कब्जा कर लगा। हे पता क्या होगा, हर्षदेव जो जोशी होगा ना वो पता क्या करेगा, पल्ली तरफ से इधर गोरखों को बुला लगा, नुगारा आ जाओ गद्दी पे यहाँ से, क्योंकि वो इस तरह मोहनचंद था बहुत चिड़ा हर्षदेव जोशी बहुत ज्यादा, ठीक, क्योंकि उसने बंदी बनाया था ना हर्षदेव जोशी को, हर्षदेव जोशी बंदी बनाया था। मैंने कहा था ना कुमाऊं का इतिहास पढ़ गई हो, दिया तो तुम पढ़ने के लिए। तो उसके बाद ना यहाँ पूरे एरिया पर सुन लो, फिर यहाँ तो गोरखाओं को आकर आमंत्रित करेगा, और गोरखे इतने खतरनाक, ये इन्हें तो छोड़ने के ही नहीं, ये इन्हें भी छोड़ने के, बाद में जाकर पता चले हर्षदेव जोशी को भी छोड़ रहे जिन्हें बुलाया था। इसलिए कुछ लोग ना कहो यही तो वो विभीषण, कौन? विभीषण। इसलिए हर्षदेव जोशी को कुछ लोगों ने विभीषण भी कहा, बद्रीदत्त पांडे ने भी साफ साफ कह दिया विभीषण है, अपनी किताब लिखी ना बद्रीदत्त पांडे ने, उन्होंने कह रहे विभीषण है।
और तुम भी ऐसे लग रहा है विभीषण। घर का बेदी लंका ढावे, हो गया ना यहां तक? ललित सा के ना चार बच्चे। अच्छा हरदेव जी देखो, अब इनको बताओ इस पूरे एरिया पर, यहां तो ललित शाह जी है, यहां प्रद्युमन शाह जी है, इस पूरे एरिया पर इस टाइम प्रद्युमन शाह जी बैठे हुए। अच्छा प्रद्युमन शाह जी बैठे हुए तो प्रद्युमन शाह तो बने राजा, यहाँ के प्रधानमंत्री बनाएगा हरदेव जोशी को। किसे बनाएगा? जब तक कुमाऊं का सवाल इतिहास नहीं पढ़ने का ना, मैंने पहले ही बने कर दी थी। मैंने कल्याणचंद चतुर्थम के बाद सारा पढ़ गई है पहले ही, ठीक है? कुमाऊं का पढ़ने भी दिया था तब, खोपड़ी में चली बात, क्या कहने की कोशिश कर रहे। लेकिन इतना ही फैक्ट याद कर सको जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, कौन कौन से युद्ध बता रहा हूँ और जो मैंने तुम्हें रणनीति बताई लास्ट में एक शॉर्ट पेज, सारी जो खास खास घटना ने एक पेज पर जानी चाहिए। अब भेज देना ग्रुप में करके लिख के, ठीक? बहुत जरूरी हो आगे चलो। ललित शाह के चार पुत्र थे, जयग्रथ शाह, प्रद्युमन शाह, पराक्रम शाह, प्रीतम शाह। पढ़ो। ललित शाह की मृत्यु के बाद हवालबाग नामक स्थान पर मलेरिया के कारण उसकी मौत हो गई थी। हवालबाग, हवालबाग पता कहाँ पड़ा? अल्मोड़ा के अंदर एक वो, वहां से ब्लॉक है हवालबाग। अल्मोड़ा के अंदर एक ब्लॉक है, तहसील नहीं है, ब्लॉक है। हवालबाग नामक स्थान पर मलेरिया कारण मृत्यु होगी। प्रद्युमन शाह डोटियानी रानी का पुत्र था। इसका मतलब जो प्रद्युमन शाह था ना, हो पता कौन था? हो डोटी की रानी से विवाह कर रखा था, बहुत सारी पत्नी थी ललित शाह की, जो डोटियानी रानी थी ना डोटी वाली, उसका उसका पुत्र था। ललित शाह का उत्तराधिकारी था जयग्रथ शाह। कौन बैठा है बताओ गद्दी पर? जयग्रथ शाह। कौन सी वाली रानी थे? कठ्यूरी रानी का। कठ्यूरी का मतलब कत्यूरी रानी हो गया, कितनी सारी रानियां थी। जयग्रथ शाह के वजीर थे डंगवाल। छोड़ दो सर, कोई दिक्कत नहीं है, हालत इनकी खराब है बिल्कुल। आ जाओ प्रद्युमन शाह के बारे में। किसके बारे में? बद्रीदत्त पांडे। पता क्या कह रहा है? यू कह रहा है बद्रीदत्त पांडे, प्रद्युमन शाह गढ़वाल और कुमाऊं का संयुक्त शासक नियुक्त किया गया, ठीक? प्रद्युमन शाह ने वो गढ़वाल का और कुमाऊं का संयुक्त शासक नियुक्त किया गया था। चलो आगे चलो। शासनकाल इतने थे इतने तक, छोड़ पूछने जाने का याद भी नहीं करना, टाइम वेस्ट। नेक्स्ट, हर्षदेव जोशी ने प्रद्युमन शाह के प्रतिनिधि के रूप में कुमाऊं पर शासन किया, लेकिन मोहनचंद और लाल सिंह ने कुमाऊं पर अधिकार कर लिया। हर्षदेव जोशी चाहता था यहां कुमाऊं पर उसका आक्रमण। प्रद्युमन शाह क्या कह रहा? यू कह रहा यहां मैं ही रह लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। हर्षदेव जोशी की बात खल रही थी बहुत बुरी तरह, उसने सोचा ये मान नहीं रहा मुझे इस एरिया पर कब्जा करना, चला गया छुप छुप के इनके पास, इनके नेपाल वालों के गोरखों के पास, आ जाओ फिर कुमाऊं की तरफ, कर दिया उन्होंने भी आक्रमण आगे में। चलो आलिए, हर्षदेव जोशी ने, हर्षदेव जोशी के आक्रमण आमंत्रण पर गोरखाओं ने अल्मोड़ा पर 1790 में कब्जा कर लिया। 1791 में गढ़वाल पर गोरखाओं के आक्रमण किया और लंगूरगढ़ में गोरखाओं को, लंगूरगढ़ में गोरखाओं को हार का सामना करना पड़ा। कहां हार के पहले उन्होंने बताओ कहां हारे हैं? लंगूरगढ़ में हार गए। 1795 में गढ़वाल में भयंकर अकाल पड़ा। देखो क्या कारण था, यहां आ नहीं सकते, अकाल पड़ गया। फिर 1803 में जो भूकंप आया था वो पूरी दुनिया को याद है, 1803 का, सब कुछ तबाह हो गया था यहां से पूरे एरिया में। और जब पूरा एरिया ना आपदाग्रस्त था तो इस बात का मौका उठाया गोरखाओं ने, और फिर यहाँ युद्ध पर युद्ध होते चले गए। एक युद्ध हुआ हवालबाग का युद्ध, साधारण हवालबाग का युद्ध के नाम से जाना जाओ, उसके बाद तुरंत कब्जा कर लिया था उन्होंने। आगे चलो, देखो इसमें एक लिखा बावनी शब्द, लिखा बावनी शब्द, बावनी शब्द अगर पूछा जाना कुछ, बावनी शब्द किससे संबंधित है? ये भयंकर अकाल से संबंधित है। 1803 में भयंकर भूकंप आया था, नहीं आया था यहाँ से। अब बताओ गोरखाओं ने अमर सिंह थापा, देखो गोरखाओं में कौन कौन आया था? एक तो अमर सिंह थापा आया, हस्ती दल आया, इसके नेतृत्व में आपदाग्रस्त गढ़वाल पर आक्रमण कर दिया, कर दिया आक्रमण। देखिए यहाँ लिखा हुआ वैली ऑफ देहरादून के लेखक कौन? आर ए गिल। ये पूछा जाओ जरूर, पुस्तकें हैं सारी, इन तो जानकारी मिली, इन इतिहास की जानकारी मिली यहाँ तक। गढ़ नरेश ने बहुमूल्य सिंहासन और आभूषण सहारनपुर में बेचकर 12,000 थे। देखो जो गढ़वाल का नरेश था उसने पता क्या करा था? सारा सिंहासन बेच दिया, आभूषण बेच दिए और सहारनपुर में जाकर बेच दिया, और 12,000 सैनिकों की एक टुकड़ी बनाई। और 14 मई 1804, ये बड़े इंपॉर्टेंट डेट है, 14 मई है 1800, नाम युद्ध हुआ है खुड़बुड़ा का युद्ध। प्रद्युमन शाह वीरगति को प्राप्त हुआ, प्रद्युमन शाह मारा गया इस युद्ध में, इसलिए इंपॉर्टेंट है, याद रहा ये बात। या प्रद्युमन शाह देख लो गढ़वाल का इतना बड़ा शासक मारा गया, कौन से युद्ध में मारा गया? खुड़बुड़ा के युद्ध।
प्रद्युमन था। डेट क्या है? 14 मई 1804। ऐसी डेट याद करी जा, याद रखी बात। प्रीतम शाह को गोरखाओं ने बंदी बना लिया। अब प्रीतम शाह को गोरखाओं ने बंदी बना लिया, प्रद्युमन शाह के भाई के प्रेम के कारण गोरखाओं के साथ युद्ध में शहीद हो गए। अतः हम कह सकते हैं प्रद्युमन शाह गढ़वाल का हुमायूं था। पूछा जा सकता गढ़वाल का हुमायूं कौन था? प्रद्युमन शाह। कौन था? ये सारे फैक्ट यहां तक खत्म हुए। अब आया गोरखाओं का शासन। अब बताओ किसका शासन आया? जा गोरखा शासन स्टार्ट। मुझे लग रहा थोड़ा ब्रेक देना चाहिए, उसके बाद मिलती थोड़ी ब्रेक।